तो ठीक हो गया क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं तो मेरा क्वेश्चन तो खास तौर पे आपने मतलब खसूसी फरमाइश है कि उसको जरूर एड्रेस करना है कि सोशल मीडिया मीडिया जो है वो उसकी इन्वेजन किस तरह से इरोड कर रही है हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स को तो ठीक है ओवर टू यू अब ठीक है आ, पहले मैं अपना तो थोड़ा सा बैकग्राउंड शेयर कर लू प्लीज Yeah, so um uh, I'm a registered psychotherapist in Canada or Ontario, or I specialize karti who uh couples, but I work with uh, individuals as well. So I do individual and couples therapy, okay. or specifically a uh, niche hai, um couples in their 30s, jo, uh, let's say committed relationships. Mein बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या पहला बच्चा हो गया है या एक से दो हो गए हैं आ, तो मैं उस ग्रुप ऑफ कपल्स के साथ काफ़ी काम करती हूँ वो मेरी स्पेशलिटी है uh, मेरी बैकग्राउंड और ट्रेनिंग है एज अ मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट तो आई हैव अ वेरी सिस्टमिक अप्रोच दैट मीन्स के जब मैं किसी एक बंदे के साथ काम करती हूँ मैं बहुत सारे फैक्टर्स को देखती हूँ sari burai us bande ke andar nahi hai jo us environment mein ho raha hai jo us bande ki relationships hain jo us socio economic religious cultural factors hain wo sab ko main zehen mein rakh ke us bande ki madad karti hu um so the topic for today was interpersonal relations or lekin sawal were a lot to do with social media and the impact on interpersonal relations और देन इक्वली उतने ही ज्यादा सवाल मुझे वर्क लाइफ बैलेंस स्ट्रेस काम का स्ट्रेस फैमिली रिलेशनशिप्स उस पर भी काफ़ी सवाल आए हैं सो आई आई विल जस्ट एड्रेस दीज टू कैटेगोरीज और मैं पूरी कोशिश करूँगी उर्दू में बात करने की uh, मसला मेरा ये है कि क्योंकि मेरी मैं थेरेपी इंग्लिश में करती हूँ मेरी सारी ट्रेनिंग इंग्लिश में है मैं सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ इंग्लिश में मुझे बात करना आता है इनके बारे में और अल्फाज मुझे मेंटल हेल्थ रिलेटेड अल्फाज सिर्फ मुझे इंग्लिश में आते हैं सो so, मुझे काफ़ी मुश्किल होगा काफ़ी चीज़ों को उर्दू में बोलना लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी सो मे बी सर यू कड हेल्प मी ट्रांसलेट सर थिंगस सो पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो हमारा जहन बनाया है वो बनाया है कनेक्शन के लिए ब्रेन आर वायर टू कनेक्ट ये हमारा सर्वाइवल है दिस इज़ पार्ट ऑफ आर सर्वाइवल सर्वाइवल नीड इज़ टू कनेक्ट विद अदर ह्यूमन बींग्स हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं हम अकेले नहीं रह सकते हैं हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी हमारी फिजिकल हेल्थ फेक्ट होगी एंड वी विल डाई एज ए ह्यूमन बींग इसीलिए आप कोविड में देखें कितना uh, कितने लोगों ने अपनी जानें ले ली कितने लोगों की मेंटल हेल्थ सफर हुई है बिकॉज हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं हमें लोगों की ज़रूरत है टू सर्वाइव तो कनेक्शंस एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स बहुत बहुत जरूरी हैं हमारी सर्वाइवल के लिए uh, सोशल मीडिया एक जरिया बन गया है फॉर ह्यूमन कनेक्शन रिलेशनशिप्स बनाने के लिए मेंटेन करने के लिए बहुत फ़ायदे हैं सोशल मीडिया के लेकिन सोशल मीडिया जो इन पर्सन वाली जो एक कम्युनिकेशन होती है और इन पर्सन जो एक रिलेशनशिप होती है वो उसको नहीं रिप्लेस कर सकता बिकॉज आप जैसे सोचें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना बड़ा एक एस्पेक्ट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ राइट right? पूरा एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि बंदे की शक्ल कैसी है जब वो बात करें टोन कैसी है आवाज़ ऊंची है नीचे उस समय बंदा बात कर रहा है नरमी से बात कर रहा है दुखी है कोई शायद कॉन्टेक्स्ट um, क्या है बंदे की बात का वो सब मिस हो जाता है अगर आप फोन के थ्रू बातें करें So there's a huge part of communication that is missing when you communicate through the phone. Texting me, your social media get through, your pictures get through, like in in person be in connection jari Or social media can help with vulnerable communication, vulnerable communication matlab. Um, जो बातें हमें डर लगता है कहने से या हमारे इमोशंस उसमें निकल के आते हैं या हमारी कोई वीकनेसेस हैं, माय फ्लॉज हैं या कुछ सेंसिटिव पार्ट्स हैं हमारे वो सब वर्नबल कम्युनिकेशन होती है तो इन सम वेज हाँ सोशल मीडिया आसान कर देता है क्योंकि आप स्क्रीन के पीछे छुप के फोटो लगा के कैप्शन में आप कोई दिल की बात कह सकते हैं और आपको वो आसान लगे लेकिन फॉर सम पीपल आप स्क्रीन के पीछे छुप के फिर आप वर्नबल नहीं भी हो रहे लोगों के साथ आप अपनी असलियत नहीं दिखा रहे लोगों को बिकॉज यू आर हाइडिंग बिहाइंड यू नो जो तस्वीरें आपने लगाई हैं और जो आप सोशल मीडिया के थ्रू दिखा रहे हैं तो दैट कैन गो बोथ वेज एंड आई थिंक वो ज्यादा वर्नरेबल कम्युनिकेशन प्रॉब्लमली मिस होती है सोशल मीडिया के थ्रू so, और ये सब बहुत ज़रूरी है अच्छी कनेक्शन के लिए दो लोगों के बीच um, दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया एंड बींग ऑन योर फोन, इन माई ओपिनियन इट कनेक्शन को तोड़ता है इन सेंस के सोचे अगर एक मियाँ बीवी साथ बैठे हुए हैं और या दो दोस्त एक साथ कॉफी के लिए निकले हुए हैं या जो भी पहले क्या होता था जब हम सब अपने फोन से एडिक्टेड नहीं थे और सोशल मीडिया नहीं था कांस्टेंट फ्लो ऑफ टेक्सटिंग और ये सब नहीं था पहले हम जब जिस बंदे के साथ बैठे होते थे हमारी सारी अटेंशन उस बंदे के साथ होती थी हम और किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहे हम और किसी से बात नहीं रहे हम सिर्फ उस बंदे के साथ बैठे हुए हैं उनकी बात सुन रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं सारा फोकस उस बंदे पे है अब क्या है हम उस बंदे के साथ बैठे हुए हैं लेकिन साइड पे हमारा फोन रखा हुआ है जैसी फ़ोन अप होता है हमारा ध्यान फोन की तरफ जाता है किसने टेक्स्ट किया है या

प्रेजेंट इन द मोमेंट कनेक्शन दो लोगों के बीच क्योंकि आप हर दफा आपने फोन में देखते हैं आपने कनेक्शन जो आपके आगे बंदा बैठा आपने उस कनेक्शन को अब तोड़ दिया है आप आपकी वो एक सेकेंड को भी आपकी कनेक्शन टूट गए तो इन दैट सेंस आई थिंक फोन्स जो हैं हमारे सोशल मीडिया और हमारी एडिक्शन टू सोशल मीडिया टू पीपल ऑन द फोन वो जो सामने सामने लोग बैठे हैं हम उनके साथ अपनी कनेक्शन कॉन्स्टेंटली तोड़ें बात करने के लिए जो फोन के अंदर है सो वर टॉकिंग टू दीपल इन द फोन ऑफ पर्सन दर्सन अगर आप ये भी सोचें कि अगर दो लोग एक साथ um, एक जगह बैठे हुए हैं ठीक है खामोशी में भी बैठे हुए देर स्टिल कनेक्टेड बिकॉज वो एक शेयर एक शेयर एक्सपीरियंस है दोनों अपने कमरे में ठीक है खामोशी से बैठे हुए ठीक है एक बंदा शायद अखबार पढ़ रहा है दूसरा कुछ कर रहा है लेकिन फिर भी एक वो शेयर्ड एक एक्सपीरियंस है लेकिन अगर एक बंदा अपने फ़ोन में चला जाए और फोन पे किसी से बात करना शुरू कर दे टेक्सटिंग में या सोशल मीडिया या फोटोज पे कॉमेंटिंग आपने एक्चुअली वो शेयर्ड एक्सपीरियंस को तोड़ दिया है और उस प्रेजेंट मोमेंट और उस प्रेजेंट मोमेंट का जो कनेक्शन है आपने वो तोड़ दिया है क्योंकि अब आपका जहन किसी और से कनेक्ट कर रहा है नॉट व पर्सन जो आपके साथ बैठा हुआ है कमरे में um, तो ये कपल्स के बीच में भी जैसे मियाँ बीवी के बीच में इस तरह से कनेक्शन टूटती है इंटमेसी um, पे अफेक्ट होता है सोचे रात में जब मियाँ बीवी uh, सोने जाते हैं अब सब अपने फ़ोन्स पे लगे हुए होते हैं सोने से पहले सो so, आपकी एक इंटरनेट कनेक्शन भी चली टूट जाती है उस वजह से um, माँ बाप और बच्चों के बीच में It's. I think it's taking a significant impact. may I'm guilty of this. Or my kids are around. I'm very conscious that okay, I'm not on my phone And kids need connection, especially in their foundational years. They thrive off of connection. They need to connect with the adults around them. And so, if you're your mind is in your phone, you're in to other conversation, or you're scrolling social media. Scroll आप एक्चुअली अपने बच्चे के साथ नहीं कनेक्ट कर रहे हो जितना भी आप हम्म हम्म हाँ हाँ करते रहोगे अपने बच्चे की बातें सुन के एक्चुअली यू आर नॉट कनेक्टिंग विद एम दूसरी बात है बच्चे को क्या मैसेज मिल रहा है दैट बच्चा इज लर्निंग कि वो हमेशा किसी और चीज के साथ कम्पीट कर रहा है गैजेट के साथ कंपीट कर है आपके अटेंशन के लिए वो बच्चा सोचेगा क्या मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ क्या मेरे बाप माँ बाप मेरे बारे में ख्याल नहीं करते है? क्या हमेशा कोई और चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस तरह के भी ख्याल एक दो साल तीन साल चार साल पाँच साल के बच्चे में पैदा हो सकते हैं तो पेरेंट्स हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि मेरा ही मैं जिस तरह से फ़ोन इस्तेमाल कर रही हूँ उससे मेरी रिलेशनशिप मेरे बच्चे के साथ कैसी अफेक्ट हो रही है और मेरे बच्चे की डेवलपमेंट कैसे अफेक्ट हो रही है मेरी इस हैबिट की वजह से आदत की वजह से फ़ोन पे होने की um, इवन अगर बच्चा आपके आसपास खेल रहा है छोटा सा बच्चा दो साल का अगर टॉयज के साथ खेल रहा है और आप बस साइड पे बैठे हुए हो आप सोचो चाहे मैं बोर हो रही हूँ मैं फोन पे चली जाती हूँ अगेन यू हैव ब्रोकन कनेक्शन बिकॉज अगर आप फोन पे ना जाए और अगर आप पे अटेंशन करें अपने दिमाग को एंगेज रखें कि वो बच्चा दो साल का जो खेल रहा है आपको नजर आएंगे बहुत सारे मोमेंट्स थे कनेक्ट करने के उस बच्चे के साथ लेकिन वो सारे मोमेंट्स चले गए क्योंकि आपने नोटिस ही नहीं किया क्योंकि आप अपने फोन में लगे हुए थे सो so, इसीलिए भी अगर भी दो लोग खामोशी में भी बैठे हुए हैं वो एक कनेक्शन होती है लेकिन अगर आप अपने फोन पे चले जाओ कि चलो, हम दोनों तो बात नहीं कर रहे थे क्या होता है फोन पे चले जाते हैं एक्चुअली आपने कनेक्शन तोड़ दी और अगर कोई अपॉर्चुनिटी थी कनेक्ट करने की वो मिस होगी क्योंकि आपका जहन कहीं और था तो इस तरह से सोशल मीडिया सोशल मीडिया से एडिक्शन फोन पे होना सारा वक्त दूसरे लोगों से बात करना और जो सामने बैठा है उससे नहीं कनेक्ट करना दिस कैन ऑल यू नो नेगेटिवली इम्पैक्ट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बी एट विद एनी वन दो ऑफिस में लोग बैठे हुए हों एक टीचर और एक स्टूडेंट हो दो दोस्त हो जो भी हो इसी तरह से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स रिलेशन अफेक्ट हो जाती हैं बिकॉज हमारी कनेक्शन तू, टूटती रहती है जब जब हम फोन पर जाते हैं हमारी कनेक्शन टूट गए और फिर आई एम श्योर आप लोगों को थोड़ी बहुत रिसर्च तो आई थिंक सुनने में आती रहती है राइट right? कि सोशल मीडिया और फोन पे होने के क्या असरा होते हैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन टॉपिक्स बट यू नो वी ऑल हर्ड के एंग्जाइटी बढ़ रही है डिप्रेशन बढ़ रही है आइसोलेशन हो रही है लोग अपनी जान ले रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी सुनने में आता है कि टीन ने अपनी जान ले ली क्योंकि तस्वीर पे लाइक्स नहीं मिले सोचे कैसा असर हो रहा है हम तो फिर भी अडल्ट ईयर्स में आए हैं आप लोग सम ऑफ यू आर मच ओल्डर देन मी तो आप लोगों की तो फोन और सोशल मीडिया तो काफ़ी लेटर एज में आया है योर ब्रेन इज फुली डिवेलप्ड क्वाइट डिवेलप्ड एट दिस पॉइंट माइंड इज क्वाइट डिवेलप्ड बट बच्चे की ब्रेन नहीं डिवेल्प हुई होती टीन ईयर्स इज ऑल्सो योर ब्रेन इज नॉट डिवेलप्ड आपकी एब्सट्रैक्ट थिंकिंग नहीं डिवेलप हुई होती काफ़ी पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन आर नॉट डेवलप्ड अंटिल ट्वेंटीज में भी आगे जाके तो सोशल मीडिया आपकी ब्रेन को एक्चुअली शेप कर रहा है चेंज कर रहा है आपकी ब्रेन को बना रहा है जब आप छोटे होते हो अब छः साल सात साल आठ साल के बच्चों के हाथ में फोन्स होते हैं टीन एजर्स आर एडिक्ट फोन्स एंड दे आर नॉट मेंटली मेच्योर इनफ टू हैंडल वट दे आर पिकिंग अप फ्रॉम सोशल मीडिया कितने कितने हम हो के कितने करते हैं कि किसी के कपड़े ज्यादा अच्छे हैं किसी ने अच्छा बैग लिया हुआ है किसी का घर ज्यादा अच्छा लगता है कोई बार बार बाहर खाने को जाता है किसी एक बंदे के पास पैसे ही नहीं है कि वो महीने में भी कभी एक दफा बाहर खा ले तो उस कंपेरिजन्स जो हम करते हैं विच इज नेचुरल ह्यूमन हम लोग कंपेरिजन करते हैं अगेन इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल इंस्टेंट हम कम्पेरिजन्स करते हैं क्योंकि हमें सोशली फ़िट होना होता है वी बिलीव इफ वी सोशली फ़िट एंड कन्फॉर्म वी विल सर्वाइव। तो देट्स वाई हमारी ब्रेन कंपेरिजन करती है नॉट। हम ऑटोमेटिकली ऐसे करते हैं तो सोचे टीन एजर्स कम्पेरिजन्स करें हालांकि उनकी ब्रेन भी मेच्योर नहीं होगी है बच्चे कम्पेरिजन्स करें उनकी ब्रेन बिल्कुल नहीं मेच्योर हुई हुई अडल्ट तक की ब्रेन पर इतना असर होता है जब हम कंपेयर करते हैं तो बहुत आ, और फिर और भी कॉग्नेटिव कॉग्नेटिव डेफिसट्स रिसर्च ने बताए हुए हैं आपकी कुछ पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन अकॉर्डिंग टू रिसर्च एक्चुअली स्टार्टिंग टू डाई कुछ आपके ब्रेन के हिस्से हैं जो श्रिंक हो रहे हैं और एवेंचुअली वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि हम इतना सोशल मीडिया और इतना अपने फोन पे इस्तेमाल करते हैं कंसंट्रेशन अटेंशन स्पैन अटेंशन स्पैन छोटा होता जा रहा है तो हमारी कंसंट्रेशन खत्म होती जा रही है वो एक ब्रेन का हिस्सा है जो एक्चुअली खत्म हो रहा है अब आप सोचे एक बच्चा जिसका वो हिस्सा डिवेलप ही नहीं हो रहा था अभी डिवेलप ही होने शुरू हुआ था और वो ऑलरेडी खत्म हो रहा है बिकॉज वो बच्चा फोन पे इतना होता है और सोशल मीडिया तक कंज्यूम करता है या गेमिंग इतनी करता है तो इट्स क्वाइट डेंजरस इन ऑल दो सेंस तो देन कम्स द क्वेश्चन के फिर हम क्या करें किस तरह से अपनी इंटरपर्सनल रिलेशन को जारी रखें और सोशल um, मीडिया को मैनेज करें और हर चीज़ बैलेंस के साथ ठीक है यू नो इवेन इस्लामिकली हमें सिखाया जाता है कि सब कुछ बैलेंस में रखो मॉड्रेशन में रखो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं करो सोशल मीडिया भी आप इस्तेमाल करें हैं उसके बेनिफिट्स लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए हम एक्चुअली अनबैलेंस हो गए एज ए सोसाइटी हम बहुत ज़्यादा फोन्स में लग गए और बहुत और दूसरी चीज़ें हैं जिन पे असर हो रहे हैं क्योंकि हमें बैलेंस नहीं आता एज ह्यूमस हम लोग को ज्यादा एक तरफ चले जाते हैं आम बिकॉज ऑफ द वे दर आर ब्रेन वर्कस आम फॉर एग्जांपल आम डोपमीन हमारी ब्रेन में रिलीज होता है जब हम एक फोटो पोस्ट करते हैं बहुत ज्यादा कॉमेंट्स uh, और लाइक्स मिलते हैं देन इट्स अ गुड फीलिंग हाई फिर हमें वही फीलिंग वापस चाहिए तो हम एक और फोटो पोस्ट करेंगे फिर हम एक और फोटो पोस्ट करेंगे तो एक अडिक्शन सी हो जाती है अब क्या होगा कि एक फोटो पे लाइक्स और कमेंट्स नहीं मिले बहुत एक नेगेटिव फीलिंग आएगी स्पेशली कोई डेवलपिंग ईयर्स में होगा कोई टीन या कोई ट्वेंटीज में होगा फिर होगा कि नहीं मुझे एक और फोटो पोस्ट करनी क्योंकि इसमें लाइक्स नहीं मिले इट वॉज अ डाउन फीलिंग आई डोंट लाइक दिस फीलिंग मुझे खुशी वाली फीलिंग चाहिए तो मैं एक और पोस्ट करती तो इस तरह से इम्बेलेंस क्रिएट हो जाता है um, और एडिक्शन और आदत ऑफ यूजिंग द फोन बाउंड्रीज दैट्स दाउंड्रीज बाउंड्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बाउंड्री सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती बाउंड्रीज़ अपने साथ भी होती हैं तो आप अपने साथ उसको बोलते हैं सेल्फ बाउंड्री आप अपने साथ बाउंड्री रखो कि मैं कितना फ़ोन इस्तेमाल करूँगी और किस किस मकसद से इस्तेमाल करूँगी तो इन यू नो समथिंग यू कैन आस्क योर इज के अभी सोशल मीडिया का क्या मकसद है मेरी जिंदगी में क्या मैं सोशल मीडिया से चीज़ें सीख रही हूँ क्या मैं बुरा फील करती हूँ सोशल मीडिया यूज़ करके क्या मैं कंपेरिजन करती हूँ क्या मैं सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करती हूँ क्या मैं न्यूज़ को फॉलो करती हूँ क्या मैं फ्रेंडशिप्स और फैमिली मेम्बर्स से कनेक्टेड रहती हूँ अभी क्या है मकसद सोशल मीडिया का मेरी जिंदगी में पहले आप वो सोचें क्या है एक दफ़ा आप वो सोच रहे हैं फिर आप सोचें ओके ये अभी तो सोशल मीडिया ये मकसद सर्व कर रहा है मेरी जिंदगी में और मेरी रिलेशनशिप्स में पर अब जब मैं कॉन्शियसली सोच रही हूँ उस बारे में मैं क्या चाहती हूँ किस मकसद से मैं सोशल मीडिया को कंज्यूम करूँ ब्लाइंडली तो मैं इस तरह से कंज्यूम करी थी लेकिन एक्चुअली मैं किस तरह से कंज्यूम करना चाहती हूँ क्या hmm. मैं सिर्फ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन रखना चाहती हूँ क्या मैं चाहती हूँ कि सिर्फ यही एक मकसद हो ओके okay. फिर आप वो जो बाकी जो सारे अकाउंट्स हैं सेलेब्रिटीज के और इस चीज़ के उस चीज के न्यूज के आम um, कुछ लोगों को न्यूज से बहुत असर होता है मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव वायलेंट न्यूज डिलीट करें बिकॉज आपने डिसाइड कर लिया आपको मकसद चाहिए फैमिली एंड फ्रेंड्स तो फिर आप क्यों इतनी ज्यादा और चीजें कंज्यूम करें जो एक्चुअली आप सोच के डिसाइड करें मुझे नहीं कंज्यूम करनी बिकॉज दे डोंट सर्व अ गुड परपज इन माई लाइफ अ बाउंड्री विथ योर सेल्फ um, या आप बोलें कि मैं चाहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया सिर्फ आम um, घर की इंटीरियर डिज़ाइन के लिए लच से फॉलो करना चाहती हूँ ठीक है आप बाकी सब शोर को डिलीट करें अपने सोशल मीडिया से और सिर्फ वो वाले अकाउंट्स फॉलो करें जो आपको डिजाइन आइडियाज देते हैं फॉर एग्जाम्पल राइट आम वट एवर दैट इज़ फॉर यू जिस मकसद से आप यूज करना चाहते हैं एंड देन गेट रुड ऑल दी अदर नॉइज ऑन सोशल मीडिया जो आप नहीं चाहते हैं कंज्यूम करना Um, और जो अकाउंट्स लग से आप चूज करें फॉलो करना um, आप सोचे कि इन अकाउंट्स को फॉलो करके मुझे क्या मिल रहा है क्या मैं कुछ सीखती हूँ um, क्या मैं खुश होती हूँ क्या मुझे फनी लगते हैं क्या मुझे बुरा लगता है क्या मैं कंपेयर करती हूँ क्या मैं एक्चुअली बहुत बुरा फील करती हूँ बाद में क्या मुझे एंजाइटी होती है मुझे क्या क्या मिल रहा है इन अकाउंट्स को फॉलो करने से और अगर आपको एंजाइटी मिल रही है बुरी फीलिंग्स मिल रही है सैडनेस मिल रही है आप कंपेरिजन करो आप ये करो वो करो दैट शुड टेल यू कि प्रोबेबली वो अकाउंट्स मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है तो मुझे उन सबको डिलीट करना चाहिए एंड आई शुड नॉट फॉलो दोज अकाउंट्स एंड आई शुड नॉट राइट आप अपनी दूसरी है आप लिमिट करें अपनी आ, फोन की डेट्स अनदर बाउंड्री राइट आप बोले कि मैं सुबह उठते ही मैं अपना फोन नहीं उठाऊंगी अः uh, उसके भी रिसर्च आउट देयर कि जब आप नींद से निकलते हैं आपकी ब्रेन ब्रेन क्या आ, मैं भूल रही हूँ क्या एक्चुअली वो ब्रेन की वो होती हैं लेकिन I think dream waves कहते हैं या कुछ कहते हैं जब आप नींद से निकल रहे होते हैं आप एक स्टेट में होते हैं अपनी ब्रेन में जिसमें आपकी क्रिएटिव थिंकिंग और इमेजिनेशन चलती है उस क्रिएटिव थिंकिंग और इमेजिनेशन में आपके पास आइडियाज आते हैं आपको एकदम से जो लत से आप एक हफ्ते से किसी चीज के बारे में सोच रहे थे तो एकदम से एक सुबह को आपको एक आइडिया आएगा um, तो जब हम उठते ही अपना फ़ोन चेक करते हैं वो जो अस डू साइड पर रखा होता है उठते ही हम अपना फ़ोन चेक करते हैं हमने उस प्रोसेस को ख़त्म कर दिया तो हमारी क्रिएटिव और इमेजिनेशन पार्ट ऑफ द ब्रेन जो चल रहा था वो खत्म इट्स गॉन क्योंकि आपने अब फोन ऑन कर लिया है और उठते ही लत से आपको एंगजाइटी फील हो रही है डिप्रेशन हो रही है या कुछ कुछ हो रहा है बिकॉज आप सोशल मीडिया के अंदर चले गए उठते ही या आपने न्यूज़ पढ़नी शुरू कर दी उठते ही So, ये भी सोचना तो यू माइट डिसाइड कि यू नो वॉट जब मैं उठते ही फोन इस्तेमाल करती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता आई वॉन्ट स्टॉप तो मैं उठ के नाश्ता करूँगी एक्सरसाइज करूंगी थोड़ा सा टाइम बच्चों के साथ गुजारूंगी जो भी है एक घंटे के बाद फिर मैं अपने आप को पंद्रह मिनट दूंगी कि मैं न्यूज़ चेक कर लूँ या किसी दोस्त से बात कर लूँ या जो भी है पंद्रह मिनट के बाद मैं अपना फोन साइड पे रख दूंगी और फिर मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी अपने बच्चों से बात करूंगी जो भी है ये बाउंड्री है ये आप अपने साथ एक बाउंड्री लगा रहे हो कि पंद्रह मिनट से ज्यादा मैं फोन पे नहीं जाऊंगी एक वक्त में बीस मिनट कर लें आधा घंटा कर लें दस मिनट कर लें जो भी नंबर है आपको एक नंबर सोचना चाहिए उसके साथ यू शुड स्टिक विद इट दैट्स व्हाट अ बाउंड्री इज यू रिस्पेक्ट योर बाउंड्री अगर आप बोल रहे हैं चलो पंद्रह मिनट पांच मिनट और आपने अपनी बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं किया

खाने के बाद रात के खाने के बाद पंद्रह मिनट को मैं चेक कर लूंगी और उसके बाद दैट्स इट फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट मैं अपने फोन को हाथी लगाऊंगी इस तरह से आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं उस तरह से आप अपनी सोशल मीडिया की कंजम्पशन को लिमिट कर सकते हैं um वे यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम कनेक्टिंग विद द पीपल हु अराउंड यू आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पर फायदा होगा इस तरह से um, और आपकी मेंटल हेल्थ पे फायदा होगा इस तरह से um,

तो जब आप बात करी थी ना सारा तो आजकल जो हम ट्रेंड देख रहे हैं है कैप्चर करने की कोशिश करते हैं like example, मेरे भांजा भांजी हैं। भाई कुछ भी mm -hmm. उन्होंने किया वीडियो बना लिया और पेरेंट्स दे आर लाइक यू सी मैनी इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स और मदर्स दे आर मदर्स एंड एवरीथिंग एंड दे आर लाइक पोस्टिंग एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया हाउड और उसकी वजह से भी बच्चे पे क्या इम्पेक्ट आता है या किस तरह से बिकॉज देन अगेन दे आर इन दम्पिटिशन इवन दोंग टेंशन उस वक्त वो नहीं है जो आपने बात की ना वो कंपेयरिंग सेल्व विदेट ठीक है वो कम्पीट mm -hmm. कर रहे होते हैं गैजेट के साथ टेंशन के लिए तो इन दैट केस इट्स नॉट हेल्दी इवन ठीक है उसमें वो कम्पिटिशन नहीं है बट देर इज अ रेस एज वेल जिसमें बच्चे को अननोइंगली डाल दिया जाता है और हम आप ये ट्रेंड बहुत ज्यादा देख रहे हैं शुरू में बहुत अच्छा लगता था कोई एक आध बच्चा है सोशल मीडिया yeah. पर उसने कोई प्यारी बात की बट वेन यू लाइक गेट इन टू दैट एज वेल देर आर सो मैनी over there to us hawale se matlab that is also damaging ye nahi hai ki i don't think that it's a very healthy thing to do especially for kids even for teenagers and we see now a lot of teenage influencers and teen uh, kids who are into that uh, thing as well to us hawale se i would like to hear your thoughts as well yeah पहली बात है बच्चे सीखते हैं अपने माँ बाप से right अगर पाँच साल का बच्चा रोज आना यही देख रहा है कि मेरी अम्मी मेरे अबू बार बार मेरी तस्वीरें ले रहे हैं मेरे बारे में पोस्ट कर रहे हैं स्टोरीज कर रहे हैं हम कैसे उस बच्चे को कह सकते हैं वंदा बच्चा टर्न टेन ओल्ड के आप फोन नहीं इस्तेमाल करो उसने तो यही सीखा है एंड जब आप आप प्रेजेंट नहीं हो जब आप फोन पे हो अगर आपका बच्चा झूले पे बैठा है स्विंग कर रहा है आप बोले ओ कितना क्यूट लग रहा है चलो मैं फोटो लेती हूँ आपने एक बीच में बड़ा सा फोन डाल दिया है अपने और बच्चे के बीच में पहली बात ये है कनेक्शन ब्रेक हो गई है फिजिकली और फिर आपकी मेंटल कनेक्शन ब्रेक होगी ना प्रेजेंट नहीं हो आपका दिमाग चला गया ओ मुझे इसके बारे में फोटो पोस्ट करनी है तो आपका दिमाग अब कहीं और चला गया एक्चुअली जो आप इंजॉय कर सकते हो उस बच्चे को देख के इन द प्रेजेंट मोमेंट वो आप लूज कर रहे हो फिर होता है कि ओ लेके मुझे ये मोमेंट याद रखना है मुझे ये वीडियो कैप्चर करनी है जिसमें मैं मैं भी करती हूँ कि ओ यू नो मे बेटी थी क्यूट साउंड करिए मुझे रिकॉर्ड करना है um I'm i'm conscious of that too mujhe मुझे होता है कि नहीं कि जब ये you know badi बड़ी हो जाएगी तो मुझे इसलिए karna करना है ताकि मैं हमेशा याद रख you सकूँ is tarah इस तरह से बात करती थी so, I understand ke parents se karte ये करते हैं लेकिन हमारी भी मेमरीज हैं जो उन चीज़ों को याद रख सकती हैं अगर हम इजाजत दें लाइक वी डोंट हैव टू रिकॉर्ड एवरी थिंग टू रिमेम्बर इट हमारे माँ बाप ने हमारे बारे में कुछ नहीं रिकॉर्ड किया हुआ ये तो हमें कितनी बातें बता देते हैं जब जो तुम छोटी थी तुम ऐसे करती थी जब जो तुम छोटे थे तुम ऐसे करते थे तो हम अपने जहन को चांस ही नहीं दे रहे याद रखने का इसीलिए तो फिर हमारी मेमोरी खत्म हो रही है रीजन आवर ब्रेन इज एक्चुअली लूजिंग मेमोरी बिकॉज हम इतना रिलाय करें कि नहीं फोन याद रखेगा हमारे लिए चीज हम क्यों नहीं कोशिश करें अपना दिमाग उस तरह से इस्तेमाल करने के लिए कि याद रखें उस चीज को हमारी फंक्शनिंग मेंटल फंक्शनिंग डिप्लीट हो रही है क्योंकि हम किसी और चीज़ पे रिलाई करें जब हम एक ब्रेन एक मसल है अगर आप उस मसल को इस्तेमाल नहीं करोगे वो मसल वीक होती जाएगी अगर उसको इस्तेमाल करोगे वो स्ट्रांग होती जाएगी अब मैं नोटिस करती हूँ मैं अपने फ़ोन में कैलकुलेटर अक्सर इस्तेमाल कर रही होती हूँ और मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं तो अपनी मैथमेटिक्स ही भूल रही हूँ अब बिकॉज मुझे आदत होगी है फोन पे कैलकुलेटर यूज करने की अब मैं वो आदत को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं पहले मैं अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन करूंगी बाद में बेशक डबल चेक कर लूंगी बिकॉज आई नो इफ आई डोंट डू दैट कैलकुलेशन ऑन माई ओन मेरा दिमाग वो पार्ट ऑफ द ब्रेन विल बिकम वीक एंड आई विल लूज द स्किल ऑफ एडिशन एंड सब्ट तो इसी तरह से मेमरीज का भी यही है आप मेमरीज किस तरह से रिटेन करोगे अगर आप द मेमोरी पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज श्रिंकिंग बिकॉज यू ऑलवेज यूजिंग योर फोन टू रिकॉर्ड एंड टेक पिक्चर्स एंड रिमेंबर थिंग्स फॉर यू राइट right? तो एक तो कनेक्शन आपकी ब्रेक होगी hmm. कि आपने फोन निकाल लिया तस्वीरें लेनी शुरू कर दी बच्चे के साथ और वो मोमेंट टू मोमेंट कनेक्शन टूट गए बजाय के बच्चा आपकी शक्ल देखे और देखे कि मेरी अम्मी कितना स्माइल करके मुझे देख रही है और शी इज फीलिंग सो प्राउड ऑफ मी एज आई एम लाइक होल्डिंग दिस लिटिल बजाय के बच्चा वो देखे बच्चा ये देख रहा है एक फोन है बीच yeah. में राइट इट्स 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 ब्रेकिंग कनेक्शन बच्चे को आपकी शक्ल भी नहीं अब नजर आ रही है क्योंकि आपकी आंखें फोन के अंदर हैं। आपकी आंखें आपके बच्चे पे नहीं है ये बच्चा सारी चीजें पिक कर रहा है ये बच्चा सारी नोट कर रहा है ठीक अच्छा जरा मेरा ख्याल है ऐसे करते हैं क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं तो क्वेश्चंस में अगर किसी का इंटरेस्ट होगा उस क्वेश्चन को पूछने का तो वो आ जाएगा और वो एड्रेस हो जाएगा ना वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात है तो जी नायमा और नायमा के बाद आसमा जी नायमा नायमा कैमरा बेटा ऑन करो और फिर क्वेश्चन पूछे अगर कैमरा चल रहा है जारा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पेरेंट्स ब्लॉगिंग कर रहे हुए होते हैं वो हर वक्त कैमरा ऑन करके तो बच्चों के ऊपर लगा के रख रहे हैं तो उनकी पर्सनालिटी पे ये कैसे इफेक्ट कर रहा है क्योंकि आजकल हम लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं मारिया ने भी पहले बात की कि बहुत ज्यादा पेरेंट्स ऐसे हैं एक तो कैप्चर करना हो गया ना उसके अंदर चले फोन की एडिक्शन आ गई कनेक्शन टूट रहा है एक पूरे की पूरी पर्सनालिटी पे फर्क पड़ रहा होता है जब आप एक बच्चे को सारा टाइम कैमरा के सामने रखते हो तो वो किस तरह की पर्सनैलिटी डिवेलप होगा राइट right, सो so बच्चे पहली बात है इनसे um, डिवेलप हो सकती है फॉर एग्जाम्पल आप इमेज कॉन्शियस हो सकते हो एज ए किड आप शायद बॉडी कॉन्शियस हो सकते हो क्या मैं परफॉर्म कर रहा हूँ जितना अम्मी मुझे चाहती हैं कि मैं परफॉर्म करूँ क्या मैंने बात इतनी फनी तरीके से बोली क्या अच्छा नहीं लगा अच्छा मुझे नेक्स्ट टाइम थोड़ा और फनी तरीके से उस बात को बोलना होगा ताकि वो मैं वीडियो मेरी ज़्यादा अच्छी लगे या मैं वायरल हूँ या जो भी है तो आपकी आप कॉन्शियस हो जाते हो एक बच्चा आम, बच्चे बहुत होशियार तो होते हैं लेकिन बहुत इनोसेंट होते हैं दे वेरी प्योर उनको अपनी ना बॉडी के बारे में कुछ पता होता है ना अपनी शक्ल के बारे में कुछ पता होता है ना वो कितने स्किल्ड हैं किसी चीज़ में या कितने नहीं हैं या किस चीज़ में अच्छा करते हैं बट उनको कुछ नहीं पता वो फीडबैक के थ्रू सीखते हैं क्या मैं खूबसूरत हूँ क्या मैं नहीं हूँ क्या मैं मोटी हूँ क्या मैं पतली हूँ फीडबैक के थ्रू जो आपके माँ बाप आपसे जिस तरह से बात करते हैं और जिस तरह की चीजें आपको बोलते हैं कि जिस तरह से आपको फिजिकली uh, आपके साथ होते हैं बच्चा अपने बारे में सीखता है राइट right? तो और जब बच्चा अपने बारे में चीजें सीखता है उसकी पर्सनालिटी परफॉर्म होती है तो अगर अगर लेट्स से किसी का ब्लॉग है uh, और ब्लॉग इज डिपेंडेंट ऑन द चाइल्ड परफॉर्मिंग अ सर्टेन वे राइट तो बच्चा कॉन्शियस नहीं हो जाएगा कि अच्छा जब मैं नहीं इस तरह से परफॉर्म करता या सही तरह से वो चीज़ करके दिखाता अपनी अम्मी के यूट्यूब चैनल के लिए जो भी अम्मी थोड़ा सा नाराज़ होती हैं चिढ़ती हैं फ्रस्ट्रेट होती हैं क्या वो मुझे पसंद नहीं करती बड़ी खुश होती हैं जब मैं कोई सही तरह से को, अच्छा ठीक है मैं बहुत मेहनत से इस चीज़ को अब करूंगा ताकि से <coughs> वो मुझसे खुश हों बट देट कैन शेप हिज अवर पर्सनैलिटी बिकॉज अब वो परफॉर्मेंस बेस्ड हो गई है राइट अमी खुश है मुझसे अमी नहीं है खुश मुझसे वो जो एक प्योरिटी और एक इनसेंस थी कि जस्ट टू से समथिंग सिली और फन और क्यूट अब वो चली गई है बिकॉज अब वो परफॉर्मेंस बन गई है या अगर कोई आर्ट पेंटिंग एक्टिविटी लग से कोई पेरेंट रिकॉर्ड कर रहा है एक जो इनोसेंटली और एक प्योरिटी के साथ बच्चा करता है वो अब चला गया है बिकॉज अब वो परफॉर्मेंस बेस्ड हो गया है तो that can impact a person's mental health a child's mental health and shape their personality then right innocence a, in a lose ho lose, hai purity mm -hmm. right jo, you. Uh, spontaneity spontaneity aapki spontaneously mm -hmm. jo karte, recording pe ho to spontaneous आपकी स्पॉन्टी पे असर हो सकता है आपकी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी पे असर हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस आप अम्मी अबू के फीडबैक पे आप बहुत हो हो, जाते जस्ट हो। यू so you know, like right, uh, जी आसमा आसमा और आसमा के बाद मालूर. जी आसमा, आप चीए? जी वालेकुम Uh, मेरा ये ख्याल है कि यहाँ जी क्वेश्चन भी है स्पॉन्टेनाइटी भी डेफिनेटली खत्म हो जाती है मुझे ये जो एक चीज लगती है वो चाहे आप फैमिली में ले लें चाहे आप अपनी वर्क प्लेस पे ले लें कनेक्टिविटी तो डेफिनेटली कम होती है तो एज ए रिजल्ट जब हम कनेक्ट बहुत कम कर रहे होते हैं तो हमारी जो है न मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो डेवलप होते हैं उनको रिजोल्व करने की भी एबिलिटी हमारी बड़ी कम हो जाती है क्योंकि हम बहुत सी जगहों पे कनेक्शन को अवॉइड कर रहे होते हैं मेरा ये ख्याल है या मुझे मेरा ये सवाल भी है कि हम अवॉइडेंस के तौर पे उसको यूज कर रहे होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर इतना हमारा काम नहीं हो रहा होता तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी थैंक यू सो मच जी आपने जो बोला है वो बिल्कुल सही है बिकॉज लाइक like हमारी दिमाग जो एक मसल है अगर हम उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे वो ब्रेन का हिस्सा खत्म होता जाएगा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी एक दिमाग का हिस्सा हिस्सा इस्तेमाल करता है राइट इट्स अ स्किल यू लर्न इट यू यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन हाँ अगर आप ह्यूमन एक्सपीरियंसिस पे मिस आउट कर रहे हो uh, तो आप ह्यूमन स्किल्स पे मिस आउट कर रहे हो रेजोल्यूशन इज वन ह्यूमन स्किल राइट तो जब आप ह्यूमन कनेक्शन अगर आप सारे वक्त में फ़ोन में घुसे हुए आप ह्यूमन एक्सपीरियंसेस मिस आउट कर रहे हो आ, तो आप अपनी एबिलिटीज़ लूज़ कर रहे हो जो होती होनी चाहिए होपफुली इंसान दो इंसानों के बीच um, अब फॉर एग्ज़ाम्पल और अब ऐसा भी होता है कि पहले ज़माने में फ़ोन फॉर एग्ज़ाम्पल जब नहीं इस्तेमाल होता था इस तरह से या होता ही नहीं था तो जब दो लोगों के बीच में मसला होता था या तो ठीक है बात ही ना करें उसके बारे में या फेस टू फेस आपको बात करनी होती थी अब क्या होता है हम टेक्स्ट के थ्रू बात करते हैं तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ वनरेबल कम्युनिकेशन जो वैसे तो आमने सामने बेहतर है हो अब हम फोन के थ्रू कर रहे होते हैं बिकॉज अब हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही कि हम बंदे को फेस करके वो बात करें सो यू लूजिंग ह्यूमन स्किल्स ऑन हाउ टू मैनेज डिफिकल्ट सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट थिंग्स और um, जिनल पॉइंट आपकी सारी नॉन वोबल कम्युनिकेशन मिसिंग होती है कितनी आई एम श्योर हम सबके साथ ये हो चुका है कि जो हमने बोला था वो दूसरे बंदे ने नहीं समझा वो कुछ और समझ बैठे बिकॉज हमने टेक्स में बोला था तो हमारी टोन नी कन्वे हुई हमारे जो कहने का तरीका था सन्सियरिटी नी कन्वे हुई या बात बहुत सख्त लगी अल्फाजों में लेकिन एक्चुअली हम बहुत नरमी से दिल से वो बात बोल रहे थे कितनी दफ़ा ये भी हो जाता है अच्छा ये जो आपने आखरी बात की है ना, हमारे साथ जिनकी सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश हमारे साथ तो बहुत होता है मेरी तमाम दोस्तों से शुरू शुरू में लड़ाई हो चुकी है फॉर्मल सी इंग्लिश लिख लिख के वो नहीं यार बड़ी ज्यादा कर रहे हैं यार बड़ी सख्ती कर रहे हैं हमें वो मतलब उस तरह से होता नहीं है ये तो ठीक है बात अह और कोई कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन या जिन्होंने क्वेश्चन पोस्ट किया था उस पे वर्क लाइफ बैलेंस पे तो अगर वो कुछ बात करना चाहते हैं तो करें नहीं तो फिर हम इसी को जारी रखेंगे और इसी को समझेंगे जी तारिक तारिक नवाज अस्सलाम वालेकुम जी जी मेरा नाम तारिक नवाज है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूं तो मिस मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम फील करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं सोशल मीडिया के और उसका असर हमारे बच्चों पे भी पड़ रहा है तो कुछ खास टिप्स और टेक्निक्स या टैक्टिक्स जिनके थ्रू हम इस चीज़ को बैलेंस कर सकें और आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को इससे अवॉइड कर सकें कुछ बातें आपने की मैं चाहता हूँ कि इस पे मज़ीद थोड़ी सी अगर आप रोशनी डालें तो अच्छा, ये काफी है तारिक मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ कि क्या हम फील करते हैं कि हम एडिक्ट हो चुके हैं आ, मेरी पर्सनल फीलिंग है कि मैं नहीं मैं इसमें ऐड ही कर रहा हूं कि चूंकि जारा पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और इनको कंपैरिजन पाकिस्तान का और कनाडा का भी इनके पास है मुझे नहीं लगता कि हम हाँ ये फील कर रहे हैं जनरली जरा आप जवाब दीजिए तारिक साहब क्वेश्चन Um, I I think that depends person to person to obviously um um as a society यहां पे, um, काफी बातें शुरू हो चुकी हैं इस बारे में कि ये, you know, because इतने, um, बच्चों पे यहाँ पे असर हो रहे हैं मेंटल हेल्थ और बच्चे अपनी जानें ले रहे हैं इस वजह है uh, से काफी यहाँ पे गुफ्तु शुरू होगी इस टॉपिक के ऊपर बट है कनाडा पाकिस्तान का मुझे नहीं पता लेकिन अगर आप लोगों को देखें मैं इंक्लूडिंग मी हम लोग अच्छा खासा अडिक्टेड है अपने फोन पे इवन व्हेन वी नो द नेगेटिव अफेक्ट्स यूकि एडिक्शन हो चुकी है तो इस एडिक्शन को तोड़ने का पहला स्टेप टू आंसर योर क्वेश्चन इज आपको समझना है हो क्या रहा है राइट अगर आप इस बात को जैसे आप बोल रहे हैं अगर आप अवेयर ही नहीं है कि आप एडिक्टेड हैं तो आप जब आपको एक मसला ही नहीं नजर आ रहा तो उस मसले को क्यों तो आप उसका हल निकालेंगे राइट right? तो पहले तो आपने उसको समझना है कि ये क्या ये मसला है मेरी जिंदगी में आर इज माय मेंटल हेल्थ सफरिंग बिकॉज़ ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया एंड द फोन आर माय रिलेशनशिप्स सफरिंग बिकॉज़ ऑफ माय यूज ऑफ सोशल मीडिया यू नो अगर आपके अम um, जवाब है हां के ठीक है मेरी बीवी कंप्लेन करती है अक्सर कि मैं फ़ोन पे बहुत होता हूँ या बच्चे मुझसे नाराज हो रहे होते हैं ओके दैट्स प्रॉब्लम अ प्रॉब्लम राइट अगर आपके लोग इर्द गिर्द बोल रहे हैं कि आप फोन पे बहुत हैं तो शायद आप हैं और आपको ये सोचना चाहिए इस बात को या अगर आप लाइक like मैंने और बोला था था आ, आपको सोशल मीडिया से क्या मिल रहा है अगर आपको इंगजाइटी नेगेटिव फीलिंग्स अच्छी फीलिंग्स नहीं मिल रही सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करके यू माइट वॉन्ट टू कंसिडर के ओके okay, फिर मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर नहीं। रही हूँ राइट तो पहले तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या कोई मसला है um, और और अवेयरनेस ना कि मैं कितना फोन क्या मैं सारा वक्त मैंने अपने बारे में uh, अब आप किसी ट्रेन या बस पे या कोई भी पब्लिक जगह जाए घर से बाहर निकले मुझे पाकिस्तान का इतना नहीं पता कैनेडा में अमेरिका में सब अपने फोन पे सब अपने फोन पे हैं मैं और मेरे हस्बैंड मैंने एक दफा अपने हस्बैंड को ये चीज पॉइंट आउट की थी कि ऊपर देखो और सबको देखो सब अपने फोन पे थे नॉट अ सिंगल पर्सन नॉट ऑन फोन आई थिंक ये हम बस में थे या हम ट्रेन में थे मुझे याद नहीं आ रहा उसके बाद से मैं हर दफा पॉइंट करती हूँ हम रेस्टोरेंट बैठते हैं बोलती हूँ सबकी टेबल्स देखो सब अपने मियाँ बीवी बैठे हुए फोन पे हैं फ्रेंड्स हैं फोन पे सब अपने फोन पे हैं बैठे हैं. एक मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं जो हम फोन नहीं निकालते हैं बिकॉज हमें अब इतनी गंदी फीलिंग आने लगी है टू सी एवरी वन ऑन एवरी वन है सबके सर नीचे हैं दो लोग एक दूसरे की शक्लें नहीं अब देख रहे हैं तो ये मैंने अपनी आंखें खोल के देखा तो मुझे नजर आया ओ मै गॉड मैं भी ऐसे लगती हूँ जब मैं अपने फोन पे होती हूँ पब्लिकली क्योंकि मैं फारग बैठी हुई हूँ बस पे हूँ ट्रेन में हूँ वॉक कर रही हूँ अब तो लोग नेचर नहीं देखते हैं फोन को देख रहे होते हैं रेस्टोरेंट पे खाने के लिए रुकी हुई हूं या खामोशी हो गई दो दोस्तों के बीच में तो एक जमाना था दो लोग खामोशी में आराम से बैठते थे कोई मसा नहीं था अब एक एंगजाइटी सी घबराहट से शुरू हो गई की ओके हम ह्यूमन स्किल खत्म हो रहा है ना कि किस तरह से खामोशी में बैठते हैं इट्स ओके टू जिस इन साइलेंस एक वो ह्यूमन स्किल खत्म हो रहा है तो अब अच्छा मैं फोन निकाल के कुछ करना शुरू कर देती हूँ सो so, पहले तो आपको अवेयरनेस करनी कि आप कितना इस्तेमाल करते हैं फोन और किस किस वक्त इस्तेमाल करते हैं क्या बोरियत में इस्तेमाल करते हैं जब आप फालतू बैठे होते हैं आप इस्तेमाल करते हैं क्या आप काम पे इस्तेमाल करते हैं क्या आप खाने के वक्त इस्तेमाल करें कि आप सुबह उठते ही पहली चीज़ इस्तेमाल करें या आप रात को सोने पहले आप अपने बिहेवियर्स को देखें और समझें कि मैं कितना फ़ोन इस्तेमाल कर करूँ शायद आप नहीं करते इतना शायद आप नोटिस करें कि एक्चुअली मैं तो कम इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ और मेरी जिंदगी पर ज्यादा असर नहीं हो रहा मेरी रिलेशनशिप्स मेरी मेंटल हेल्थ सफर नहीं करी ग्रेट दैन यू हैव नथिंग टू चेंज लेकिन अगर आप सेल्फ अवेयर हों और आपको नजर आए कि अच्छा मैं तो हद से ज़्यादा लाइक और हर मौके पे निकाल देती हूँ अपना फोन और मेरी मेंटल हेल्थ या मेरी रिलेशनशिप्स या जो भी और मेरी ह्यूमन स्किल्स ख़त्म हो रहे हैं इस वजह से आप ये देखें डे ड्रीमिंग फॉर एग्जांपल मैं अपने हस्बैंड से दो तीन साल पहले बात करी थी मैं बोल रही थी जब मैं छोटी थी जब मैं बच्ची थी मैं बहुत डे ड्रीमिंग करती थी आई वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था तो मैं बुक्स बहुत पढ़ती थी और मेरी इमेजिनेशन बहुत थी और मैं बहुत डे ड्रीमिंग करती थी इवन एज ए टीन पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाती थी, थी अपनी डे ड्रीम्स में उस थ्री और फोर ईयर्स अगो मैंने हसबेंड से अपने बोला कि मुझे याद नहीं आ रहा मैंने लास्ट टाइम डे ड्रीमिंग कब की है मुझे वाकई में याद नहीं आ रहा मैंने लास्ट कब की है? क्योंकि जब भी अब अगर मैं फारिग होती हूँ तो बजाय मैं सोफे पे लेट के ऊपर छत you know, को देखू मैं अपना तो फोन निकाल देती हूँ तो इफ आई एम लूजिंग द डेट ड्रीमिंग पार्ट ऑफ माई ब्रेनिविटीजन लिव That part of my brain brain is shrinking. actually नहीं बैठे आपकी का एक हिस्सा चल काम कर रहा है रिलैक्स करिए पहली बात आपकी brain. लेकिन आप उसको रिलैक्स नहीं बाप करने दे रहे आप अपने फोन पे चले गए इसीलिए तो इतना स्ट्रेस में बंदा आप सारा वक़्त रहता है क्योंकि आपकी ब्रेन ऑफ भी तो नहीं हो रही क्योंकि जब आप अब आप बस में बैठे हुए हैं या ट्रेन पे बैठे हुए हैं या फालतू अपने घर पे बैठे हुए हैं आप अपने फोन पे जा रहे हैं तो आप अपने ब्रेन को मौका नहीं दे रहे कि वो कुछ पार्ट्स ऑफ हो जाएं ब्रेन के और जो बाकी पार्ट्स है जो ऑन हो नहीं सकते जब आप बिजी होते हैं वो ऑन हो जाए तो ऑफ part, जो पार्ट पूरा दिन चल रहे होते हैं उनको ऑफ होने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि आप फालतू टाइम पे भी फोन निकाल के बैठ गए हैं और फालतू नहीं इट्स इट्स अ यूजफुल टाइम इट्स अ टाइम टू रिलैक्स और जो पार्ट आपके फंक्शन कर सकते हैं उन रिलैक्स मोमेंट्स पे वो फंक्शन नहीं कर पा रहे तो वो पार्ट्स आपके ख़त्म हो रहे हैं सच एज डे ड्रीमिंग इमेजिनेशन क्रिएटिविटी दैट मे बी तो ये सब चीज़ें अगर आप लोग अप, हम सब अब समझने लगें और फिर अवेयरनेस लाने लगे कि हम कितना इस्तेमाल करते हैं किस मकसद से इस्तेमाल करते हैं फिर होपफुली आपको खुद ही बॉदर करेगा आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा कि दिस इज लाइक मुझे तो अब गंदी सी फीलिंग आने लगी है सो इट जस्ट बॉदर्स मी नाउ तो मैं पब्लिक में होती हूँ आई रिफ्यूज टू पिक अप माई फोन अगर मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में क्लिनिक में बैठी हुई हूँ आधा घंटा बैठी होंगी लेकिन आई रिफ्यूज़ टू पिक अप माई फ़ोन मैं आधा घंटा लोगों को देख रही होती हूँ सब अपने फ़ोन पे होते हैं बट दैट्स माई बाउंड्री टू माई सेल्फ कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रही हूँ मैं अपना फ़ोन नहीं निकालूंगी

तो जब अगर ये चीजें खत्म हो जाएंगी अगर हम इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड लाइक फॉर अ डिसीजन यार नहीं मैं इसको uh, इस चीज को खत्म कर दूंगी फोन नहीं लूंगी कॉल्स नहीं लूंगी बट एवरीवन अराउंड इज यू अराउंड यू इज यूजिंग इट एंड केयर कि उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है उनकी ये चीज़ आगे जो इनकी आने वाली नस्लें होंगी उसमें ये चीज़ नहीं होगी

जो प्रिवलेज जैसे हम सब यहाँ बैठे हुए जिनके पास सिर्फ एक बेसिक फ्लिप फोन नहीं है हम और तरह से भी इस्तेमाल कर रहे हैं हालांकि ऑनेस्टली अब तो आई थिंक सब टिकटॉक सभी कर रहे हैं रोड पे भी जो लोग चल रहे होते हैं कर रहे होते हैं बट या इफ इफ याज अ सोसाइटी इफ दर इज अ कम्युनिटी दैर इज नॉट रिलायंट ऑन द फोन अब यहाँ पे मैं um, उनका नाम भूलू वो क्या होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं इस्तेमाल करते और यहाँ पे आई एम फॉरगेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल इन नॉर्थ अमेरिका शायद अल, और जगहों पर भी है उनका एक नाम है वो आ, पुराने जमाने की तरीके से रहते हैं वो गाड़िया नहीं इस्तेमाल करते हैं आपको वो घोड़ों पे नजर आएंगे कैरेज पे वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं इस्तेमाल करते माइक्रोवेव नहीं इस्तेमाल करते वो बिल्कुल जिंदगी पुराने तरीके से रहते हैं कपड़े भी पुराने जमाने के पहनते हैं अब वो कम्युनिटी है दो सौ साल के बाद क्या पता कि वो कम्युनिटी का जहन कहाँ हो और हमारी ब्रेन कितनी श्रिंक हो चुकी हों तो ऑफ़ कोर्स दैट्स एवोल्यूशन फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव, लाइक यू नो सेड अगर हम जनरेशन uh, की ब्रेन का एक हिस्सा है जो इस्तेमाल होना छुट जाए तो इवेंचुअली वो जीन ही डिवेलप होना खत्म हो जाएगी जिसमें वो ब्रेन का डिवेलप

<laughs> ज़ारा जी मुझे ये लगता है कि जो है बहुत सारी विकेबलरी और बहुत सारे रिसर्चर्स ने भी बहुत नुकसान बताया है वर्क प्लेस टेस्ट के वाले से ना वर्क के तो जितनी विकेबुलरी है वो जिसे सारी स्ट्रेस और एंग्जाइटी की है आ, इसको किसी जगह पे हैप्पीनेस के साथ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के साथ स्किल डेवलपमेंट के साथ ब्रेन डेवलपमेंट के साथ इसको रिलेट ही नहीं करते ना हम लोग तो मुझे लगता है ये है कि ये जो एक वो है उसकी डाउन साइड ऑफ डेवलपिंग नेगेटिव वैकेबुलरी अलॉट अब देखिए पॉजिटिव वैकेबुलरी तो इसके साथ एग्जिस्ट ही नहीं करती मतलब तो आपको किसी जगह पे ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा कोई वर्क प्लेस के जो स्ट्रेस uh, के जो अपोजिट हैं, कोई एक्साइटमेंट की बात करे प्लेयर की बात करे हैप्पीनेस की बात करे कि भाई मुझे काम से ये हो रहा है

Um, I think काफी प्रोफेशन स्पेषलीपोरेट वर्ल्ड जिसमें आपको सिर्फ सन्डे ऑफ मिलता है और मेरी फैमिली में और कितने लोग हैं जिनको सिर्फ सन्डे ऑफ मिलता है या जो बहुत लेट काम कर रहे होते हैं एक तो टाइम की भी वहाँ पे एक अलग ही कॉन्सेप्ट है दस ग्यारह बजे आराम से काम शुरू हो रहा होता है लोग ऑफिस पहुंच रहे होते हैं रात के आठ नौ बजे तक काम कर रहे होते हैं यहाँ पे नौ बजे काम शुरू पांच बजे आउट घर तो यहाँ और सैटरडे संडे ऑफ तो यहाँ पे आपको दो दिन की छुट्टी कुछ लोगों को मिड वीक दो दिन मिलती है डिपेंडिंग आपके यहाँ लेबर लॉज हैं और आपको ओवरवर्क यू नो एक हद से ज्यादा कोई नहीं कर सकता वर्क लाइफ बैलेंस का यहाँ कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान ऑल्सो सो मचुर्बत है इतनी मुश्किलें हैं वैसी हैं कि लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है टू कॉम्बैट ऑलिंग इन सोसाइटी जो कि यहाँ पे वो मसले मसाइल इस तरह से नहीं है तो यहाँ पे जिस तरह का स्ट्रेस आप डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे भी ऑफकोर्स है लेकिन मुझे इतना नहीं महसूस होता जितना पाकिस्तान में होता है स्पेशली इन दपरेट वर्ल्ड और वर्क लाइफ बैलेंस में आप एक टॉप डाउन होता है ना कि आपको एक एक कल्चर आपकी आपकी वर्क इन्वायरमेंट में एक कल्चर होना चाहिए कि जिंदगी में और चीजें भी इम्पोर्टेंट हैं आपकी फैमिलीज भी आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इम्पॉर्टेंट है आपके बच्चों से रिलेशनशिप्स इम्पॉर्टेंट है आपका आराम का वक्त इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब आपको आराम मिलता है यू शो अप एज अ बेटर एम्प्लॉ द नेक्स्ट डे यू नो ये कॉन्सेप्ट यहाँ वेस्ट में है जो मुझे नहीं लग आई कुड बी रॉन्ग

जैसे मैंने शुरू में बोला बैलेंस हर चीज बैलेंस में होती है काम भी बैलेंस फैमिली भी बैलेंस एक बैलेंस होना चाहिए हम बैलेंस में ऑफ अगर आप हो जाएं तो हमारी मेंटल हेल्थ में असर होता है चाहे वो कोई चीज भी हो कोई भी चीज हम ज्यादा कर लेंगे ना हमारी मेंटल हेल्थ पे असर होगा हमारी फिजिकल हम बहुत ज्यादा खाना खाएंगे हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे कम होगा हम बहुत ज्यादा हम अपने आप को स्टार्फ करेंगे असर होगा हम बहुत ज्यादा फोन पे होंगे नहीं होंगे बहुत ज्यादा दोस्तों के साथ टाइम गुजारेंगे या बिल्कुल ही नहीं गुजारेंगे या बहुत ज्यादा काम पे होंगे या बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे या नहीं करेंगे बहुत ज्यादा कुछ भी कर लो ना आपकी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ पे असर होता है अगर आप बहुत ज्यादा काम करोगे कोर्स आपको स्ट्रेस होगा बर्नआउट होगा एग्जॉशन होगा और फिर आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जहन पे अफकोर्स असर पड़ेगा और आपकी इंटरपर्सनल रिलेशंस पे असर पड़ेगा आप बहुत से आप लोग थे जिन्होंने बोला था हम किस तरह से अपने काम को बैलेंस करें ताकि हमारी फ़ैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप्स ना अफेक्ट हो तो आई डोंट नो कि पाकिस्तान में कल्चरली ये कॉन्सेप्ट नहीं है वर्क लाइफ बैलेंस का और बाउंड्री सेट करने का कि आप अपने बॉस को जाके बोल दो कि यू नो मैं थे टाइम पे कल्चरली टू आई फील लाइक कि वहाँ पे दस ग्यारह बजे अक्सर लोग ऑफिस जा रहे होते हैं बिकॉज देर लाइक नौ बजे जाएंगे तो कोई होगा ही नहीं so you know i don't know culturally possible but if any of you are in leadership positions please start to create that change leadership positions say to managers say bosses say to we कल्चर सेट होता है ना कि नहीं नौ बजे आना है या जो भी टाइम है आठ बजे नौ जो भी और इतने बजे सबको काम खत्म करके घर जाना है ओवर वर्क ना हो बाउंड्री सेटिंग यहाँ पे अगर कोई मेरे पास आता है कि आई नीड हेल्प विद मैनेजिंग वर्क स्ट्रेस मैं तो बाउंड्री सेटिंग पे काम करती हूँ And how to set boundaries, how to set them respectfully, how to set a boundary and not lose your job. yes you know, I don't know if this applies to people living in Pakistan. Ke ke, you know, you can learn how to set boundaries. If you helpful hai. I can talk about that a bit for a few minutes. Uh, Zara, culturally, boundaries का जो concept है ना, मैं आपके साथ share karta uh, HED, Higher Education Department में director उन्होंने मुझे बड़े फखर से यह बात बताई कि जो सेक्रेटरी था ना जो डिपार्टमेंट को हेड करता फिर ने मुझे कहा था कि रात को तीन बजे भी अगर मैं कॉल करूं तो आपने तीसरी बेल नहीं होनी चाहिए दूसरी बेल पे आपने फोन उठाना है दिस इज योर ड्यूटी एज डायरेक्टर तो डायरेक्टर साहब अपनी एफिशिएंसी बता रहे थे कि मैं तीसरी तो क्या मैं दूसरी बेल भी कंप्लीट नहीं होने देता नहीं। मैं पहली बेल होती है तो उसके दौरान ही मैं फोन उठा लेता हूँ और सेक्रेटरी साहब मुझसे तो इतने तो खुश हैं कि यार तुम बड़े कमाल हो यहाँ पे तो हमारा तो कल्चरल कांटेक्ट ये है जी जरा कुछ कहना चाहेंगी इस पे मैंने um, तो की है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी आई थिंक बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट बड़ा मिसअरस्टूड um, है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी गोरे लोगों को भी मुश्किल होती है इससे लेकिन यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है बिकॉज इट्स एन इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी हमारे कल्चर में ईस्टर्न कल्चर्स में आई फील लाइक बाउंड्रीज कंप्यूट नहीं होती लोगों के दिमाग में समझ में नहीं आती लोग समझते हैं कि बाउंड्रीज बड़ी कोई बुरी चीज है डिस्टेंस uh, लाती है वो रिलेशनशिप्स में या रिलेशनशिप्स को ख़त्म करती है या मुश्किलें पैदा करती है बाउंड्रीज बहुत ही सिंपल चीज़ है आपकी बाउंड्री वो होती है जिसमें आप कंफर्टेबल है आपकी मेंटल हेल्थ आपकी जहनी जो हेल्थ है आप कंफर्टेबल है उसमें वो एक समझे एक लाइन होती है और अगर मैं इस लाइन को क्रॉस करती हूँ तो मैं आई एम नो लॉन्गर फीलिंग गुड मेरी मेंटल हेल्थ पे असर हो रहा है फॉर एग्जाम्पल जैसे सोशल मीडिया का एग्जाम्पल ले लें um, अगर आपको um, अगर आपको बहुत ही सैड फीलिंग्स डिप्रेशन टाइप की फीलिंग्स महसूस होती हैं जब आप बहुत देर तक सोशल मीडिया पे होते हैं दैट मीन आपने अपनी कोई लाइन थी वो आपने क्रॉस कर ली आप अपनी लाइन के अंदर नहीं रहे आपने अपनी बाउंड्री क्रॉस कर ली और अब आप अच्छा नहीं फील कर रहे तो अ बाउंड्री इज मेंट टू प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ इट इज योर बाउंड्री इट्स नो वन एल्स बाउंड्री इट योर बाउंड्री आपको अपनी बाउंड्री समझनी है आपको अपनी बाउंड्री लोगों के साथ शेयर करनी है तमीज से शेयर करनी है बदतमीजी की जरूरत नहीं होती इसमें और चाहे वो बंदा बाउंड्री रिस्पेक्ट करे ना करे वो उसका नहीं है बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट योर बाउंड्री यू रिस्पेक्ट योर बाउंड्री तो जैसे ये जो भी थे जिनका आप एग्जाम्पल दे रहे हैं इस बंदे की अगर ये बंदा डिसाइड uh, करे रियलाइज uh, करे कि मेरी रातों की नींद सही नहीं हो रही hmm. और मैं रोजाना बहुत थका हुआ चिड़चिड़ा उठता हूँ आपकी मेंटल हेल्थ पे असर हो रहा है इसका मतलब कोई लाइन क्रॉस हो चुकी है आपके लिए तो ये बंदा सोचे ओके यू नो आई थिंक रातों की फोन कॉल्स को मुझे खत्म करना होगा ये मेरी बाउंड्री है कि मुझे रात की नींद बहुत जरूरी है तो ये मैं बाउंड्री अपने बॉस को या जो भी को बताऊंगा कि यू नो आई विल है एट पी एम आई नीड माई रेस्ट आई नीड माई स्लीप आई एम अ बेटर एम्प्लॉय द नेक्स्ट डे आपकी बाउंड्री आप ये नहीं बोल सकते यू डों किस, आप किसी और को नहीं बता सकते क्या करना है आप अपने अपनी बात करें आई वोट आंसर तो बॉस तो कॉल करेगा वो तो तीन बजे रात को कॉल करेगा उसकी थोड़ी बाउंड्री है उसको तो कॉल करनी है तो राइट बट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ राइट आपको सोचना है कि मुझे क्या मेरी रात की नींद तैयारी है क्या मुझ पर असर हो रहा है तो और अगर हो रहा है आपको ये कम्युनिकेट communic करना है रिस्पेक्टफुली यू के नॉट टेल एल्स टू डू आपसे अपने बारे में बात करें कि मैं रात में फ़ोन नहीं उठाऊंगा और एंड देन यू हैव टू ऑन अट अगर आप रात आप ये बोलते हो लेकिन आप रात के तीन बजे उठा रहे हो फोन तो बॉस तो बोलेगा दफा करो उसकी बाउंड्री को ही तो फिर भी मेरा फ़ोन उठाता है

Mentally healthy, then I'm not. I don't show up as a good person in relationships, then so that's the point of a boundary. Question, जी. जी, so, Zara, my uh, there is a thing that uh, uh, when I was uh, being brought up by my mother. So she had a very big impact on my life like my peer group and everything around me. So she, I would come home and tell her about Menajisabatki and these were the people I liked. So she would uh, give a specific judgment on everyone for you and this person is not nice. like you know as a way parents protect their children. okay so now I'm grown up I'm in university and I feel this I am also judging people before I even interact with them, टू थिंक मुझे इनसे इंटरेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लाइक आई हैवे थॉट दैट ओके आम टॉकिंग टू दिस पर्सन लाइक अ रैंडम कन्वर्सेशन एंड ओ वाओ दिस पर्सन इज अ नाइसन बट द नेक्स्ट थाट इज नॉट लाइक कि मुझे इनसे इंटरेक्ट करना चाहिए या आई शुड यू नो डिवेलप समथिंग इन द पर्सनल रिलेशन विद दम सो लाइक दिस दिस इज द थिंग मेरी एक जो जजमेंटल सोच बनी हुई है इस टाइम पे वो मुझे जो है वो हिंडल करती है टू टॉक टू मैनी फ्यूचर आई बी इन फील सो इट्स मी बिकॉज मैं तो हर इंसान को मतलब ठीक you know, uh, like है नहीं है तो नहीं है मैं इसमें किस तरह से उसको इंटरैक्टिंग विद मच मेरा mm. गुजारा तो हो रहा है ना बगैर इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है याट्स नॉट वर्किंग आउट इट्स जस्ट मी

Uh -huh. uh -huh. uh -huh. social circle uh -huh. uh -huh. uh -huh. family members uh -huh. and you're not looking for any more relationships you're happy you're satisfied your mental health is intact so uh, actually, i actually i don't have a uh, uh, circle at all like friend family mein, i'm good with my parents and my siblings i talk to them but as my friends i don't have like i don't think i'm like i feel on a level ke, maybe i'm an introvert i think but the thing is ke i don't feel like ke, you know there is a relationship between me or anyone because i don't begin it Success भी हासिल कर लेते हैं मुझे बात उसने बड़ी परेशान करी थी टू इयर्स yeah. like मेरी से इतने बात नहीं हुई

बेस्ड ऑन जो भी आपने अपनी सीखा अपनी अम्मी से शायद आपने यही सीखा कि लोगों को जज करते हैं लेकिन ऐसे नहीं सीखा कि रिलेशनशिप बनाते कैसे और निभाते कैसे हैं तो अगर पहली बात अगर आपको ये आपने आई वुड रिकमेंड कि जब वो मोमेंट आता है लेट्स आप किसी ऑफिस uh, में कोई है जिससे आप सोचते हैं बंदे you know, से दोस्ती होती मैंने कभी कोशिश ही नहीं की है um, आपको उस मोमेंट में जब आप ऑफिस नेक्स्ट टाइम जाएंगी आप थोड़ा सा अपने अंदर रिफ्लेक्ट करें कि अभी क्या चीज है जो मेरे बीच में आ रही है जिसमें मैं आगे नहीं जा पा रही थोड़ा सा अपनी सोच पे थोड़ा सा फोकस करें कि किस वजह से मैं क्या मैं नर्वस फील कर रही हूँ अगर हाँ जवाब ये कि हाँ मैं नर्वस फील करी हूं. अच्छा किस बारे में नर्वस फील है मैं नर्वस फील कर रही हूँ क्योंकि um, mujhe okay so now that means there may might be a fear reason attached for approaching relationships that would be more like a therapy session with you just where then we explore ki fear kahan se aaya aur us ko manage kaise and then how do you approach relationships ya aap notice karengi ki main kisi approach nahi karti kyunki main samajhti hu ki main kisi se this person is not worth my time Then you might want to that, कि ये सोच आपके अंदर कहाँ से आ रही है तो पहले आपने समझना है क्या वो वजह है जिस वजह से आप नहीं रिलेशनशिप्स अपने काम पे अप्रोच करें जब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं हर दफा जब मैं अपने थॉट्स पे फोकस करती हूँ काम पे और वो थॉट्स एक तरह की कि मैं इसको इससे नहीं अप्रोच करी क्योंकि मैं नर्वस फील करूंगा उसको अप्रोच नहीं करी क्योंकि मैं नर्वस फील करूंगा इसको अप्रोच नहीं करी क्योंकि नर्वस फील करी ओके दस अ कॉमन थीम आप नर्वस फील करती हैं नए लोगों के आगे फिर मैं बोलूंगी अच्छा आप नर्वस क्यों फील करती है अपने आप से पूछें उस मोमेंट में जो आपको नर्वसनेस हो रही है ना अपने आप से पूछें मुझे अभी किस बात की नर्वसनेस हो रही है अगर जवाब आपके जहन में आता है क्योंकि मुझे डर लग रहा है मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूंगी ओके तो क्या हो जाएगा आपने कोई गलत बात बोल दी फिर ये बंदा मुझे पसंद नहीं करेगा तो फिर क्या हो जाएगा तो फिर मेरी इस बंदे के साथ रिलेशनशिप नहीं बनेगी ओके रिलेशनशिप तो अभी भी नहीं है तो अगर वर्स के कि रिलेशनशिप नहीं बनेगी देन इट्स वर्थ ट्राइंग राइट तो अपनी थॉट्स को ऐसे चैलेंज करने की आदत डालें कि जब आप उस मोमेंट में होती हैं जब आपके आगे एक बंदा बैठा हुआ है और आपको दिल चाह रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा ओके व्हाट्स कमिंग इन द वे आईडेंटिफाई दैट देन आस्क योर ओके वाई वाई इज दिस एन इश्यू जो जब आता है उसको भी हमारा मसला ये है्यूमन वी डोंट नो हाउ टू चैलेंज वट्स य हम एक्सेप्ट कर लेते हैं मैं ऐसी हूँ मैं जज करती हूँ मैं लोगों से रिलेशनशिप uh, नहीं बनाती या मैं यू नो वर दर पर्सनैलिटी टाइप इज आप हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बस हम ऐसे ही हैं हम कभी ये नहीं सोचते कि हम ऐसे क्यों हैं और क्या हमें ऐसे होना है क्या हमें इस चीज़ को बदलना है सो so अगर आप थोड़ा सा उस प्रोसेस में एंगेज करेंगे आपको आप अपने आप को ज्यादा समझेंगी एंड होपफुली व्हेन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर फिर आप मैनेज कर सकती हैं कि मैं किस तरह से इस बंदे को पोच करूं आई होप दैट हेल्प या दैट इट डिड थैंक यू अह ज़ारा आयशा हैं और सैफुल्लाह दो क्वेश्चंस ये हैं और उसके बाद आसमा आसमा आपने दोबारा एंड्रेस किया या पहले का ही

जी जी करिए अच्छा ऑलराइट फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएटेड के इस लेवल पे कोई बच्चा ये रियलाइज कर रहा है और उसे एक्सेप्ट भी कर रहा है ओपनली uh, कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है लाइक आई एम बीइंग जजमेंटल मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर अनएबल टू डायग्नोज़ कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है तो मैंने ये बहुत सारे बच्चों में देखा है कि दे आर दे बिकम सो एंग्जियस दे स्टार्ट पैनिकिंग

So this is the most important major thing or major mistake, I would say, which we make, uh, that we start comparing ourselves uh, with our others. You never compare <clears> with <throat> no matter what. Uh, this is just a general term, but still, if you specify a that you need to accept yourself as you are, right? Second thing, where you feel rigidity, that okay, there is some problem, uh, I am getting judgmental, तो उसमें आप ये देखें कि क्या चीज ऐसी पॉजिटिव है व्हिच यू नीड टू ब्रिंग इन योर पर्सनालिटी इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योरसेल्फ आप खुद को किसी की तरह बनाने की कोशिश ना करें जस्ट एक जनरल ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए सो फार जो मैंने देखा है हमारी सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी लाइक टू टॉक टू द पीपल हु आर प्लीजेंट इन देयर पर्सनालिटी जो uh, ज्यादा हंसमुख होते हैं जिनको जो, uh, जो थोड़ा सा आप किसी के साथ मतलब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए ऑब्वियसली उसके लिए तो अगर आप कोई अच्छा सा जोक क्रैक कर देते हैं इवन इन इन पब्लिक और मे बी स्ट्रेंजर्स के दरमियान भी तो पीपल लाइक टू टॉक टू उनको थोड़ा सा जो आपका जो बीच में एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी की तरह हम यूज करते हैं इस तरह हो जाता है वो आप, आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आई गेस बींग जज मेंटल और नॉट आई गेस सभी इस तरह करते हैं

जी सर मैं 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 ये पूछना चाहता हूँ कि हम दूसरों को कैसे नो बोल सकें विदाउट हेजिटेशन और प्रिटेंड हमें बहुत करना पड़ता है और मैं ये चाहता हूँ कि फिर हमारे इंटरपर्सनल जो रिलेशन हैं वो भी ठीक रहे उन पर भी कोई इफेक्ट ना हो क्योंकि मैंने खुद अभी पर्सनली काफ़ी एक दो लोग जो मेरे काफ़ी करीब थे उनको मैं नो नहीं बोल सका फिर मैंने काफ़ी सफ़र किया फिर एक को मैंने नो बोला तो उसको मैंने जो है ना मतलब वो लूज हो गया मुझसे और वो काफी अच्छा और करीबी दोस्त था मेरे तो इसका अच्छा, मैं सैफुल्ला तुम्हारी सिचुएशन को मैं पर्सनली जानता मेरा ख्याल है कि इसको मैं खुद हैंडल करूंगा ठीक तो... है सर <laughs> तो मुझे पूरा अंदाजा है इस बात का ठीक हो गया तो मिलते हैं जरा तो आयशा का हो गया सवाल एक और क्वेश्चन आ रहा था किसी की तरफ से इशरत जी इशरत बेटा पूछिए इशरत रहमान जी इशरत इशरत आयुध दया ताआसमा तो भी पूछना चाह रही थी हाँ वो भी पूछना चाह रही हैं इशरत आयुध दया वो काफी देर से उन्होंने हैंडरेस किया हुआ चलिए चलिए फिर आसमा की तरफ चलते हैं जी जी आसमा जी मेरा सवाल जो था ना थोड़ा यही वर्क प्लेस रिलेशनशिप भी है इसमें कुछ बाउंड्रीज भी हैं तो रिसेंटली थोड़ा मेरे साथ भी ये थोड़ा मसला हुआ जैसे समर ब्रेक आ जाता है ना सेमेस्टर में आ, समर ब्रेक नहीं कहना चाहिए समर में जो हमें सेमेस्टर में जाना पड़ता है तो वो उसमें ऐसा था कि भी जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं क्लासेस लेते हैं थोड़ा सा थोड़े हम चले क्लास लंबी कर लेते हैं ताकि तो थोड़ी थोड़ी, थोड़ी छुट्टी मिल जाए लोगों को या रिलैक्सेशन हल्की सी आ जाए तो वहाँ पे फिर ये था कि बहुत से लोगों ने उसका कुछ ओवर एडवांटेज ले लिया और कुछ लोगों ने टोटली स्किप कर दी जिसमें मेरी काफी सीनियर कोलिग थी, थी जो कि पीएचडी ही नहीं बल्कि पोस्ट ऑफ थी और थोड़ा सा उससे स्टूडेंट्स ने सफर किया उनका कोर्स एक कोर्स तो टोटली उनका बिल्कुल ही निग्लेक्ट हो गया कुछ उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी इशू था तो वहाँ पे जहां क्या आपका सवाल Mission ये था कि सवाल उसमें ये है कि जब वहां पे असर्ट करने के लिए कुछ कहा गया तो फिर ये है कि वही बात है कि लोग जो है फिर आपसे कट जाते हैं वो पसंद नहीं करते तो आई वॉज टोल्ड के आप खुद भी रिलैक्स रहें और दूसरों को भी जो है ना मतलब काम अगर हम नहीं कर रहे तो आप भी ना करें और हमें भी ना करने दें तो ऐसी सिचुएशन को फिर कैसे हैंडल करें मैं ये समझती हूँ कि स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए तो 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 कर, कर तो 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 डिपार्टमेंट हूँ तो उसमें इस तरह से है ना बी एस में हमने कोर्डिनेट करना होता है बहुत सारे डिपार्टमेंट मिल के कोर्सेस टीच कर रहे होते हैं तो ये इस तरह के सीनैरियो डेवलप हो जाते हैं कि जब आपके डिसिप्लिन में डिफरेंट लोग पढ़ा रहे थे क्योंकि कॉलेज लेवल पे जरा न्याय है ना तो वो जब आपके डिसिप्लिन में कोई दूसरा आ जाता है कोई इंग्लिश का है पॉलिटिकल साइंस का है वो समर में नहीं आना चाह रहे तो इस तरह के कंफ्यूटराइज हो जाते हैं कि लोग फिर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए उस पर मेरा स्टैंड थोड़ा सा हो जाता है तो पीपल देन कट ऑफ फ्रॉम मतलब थोड़ा डिस्टेंट हो जाते हैं

होफली आंसर well. um, पहली बात यह है पाकिस्तानी कल्चर ईस्टर्न कल्चर्स में uh, वैलीज़ क्या हैं हमारी वैल्यूज़ है हारमोनी रखना और सेल्फलेसनेस प्रैक्टिस करना और हायर की बड़ों को इज्जत देना जो लोग आपके ऊपर हैं ये तीन बड़ी लाइक बड़ी वैल्यूज हैं ईस्टर्न कल्चर में जो वेस्टर्न में नहीं है मेनटेनिंग हार्मनी बींग सेल्फलेस गिविंग डूंग थिंग फॉर अदर्स और हायर की का बड़ा है बहुत बड़ा है um, उमर पे और पोजिशन पे कि आप बड़े की इज्जत करनी है उनके खिलाफ नहीं जो बड़ा के वही करना है वच कैन हैव अ गुड प्लेस बट हर चीज़ बैलेंस में राइट right? um, अब यहाँ पे दिस इज अ मसला राइट कि आप आपको एडवाइस दी कि खुद भी चल हो जाओ दूसरे को भी छोड़ दो हारमोनी मेंटेन करो uh, जो सही चीज है एक्चुअली उस पर कुछ नहीं बोलो हमें ना uh, क्या कहते हैं बोट को नहीं हिलाना बस सब कुछ सही सही रखना है इसमें क्या होता है लोग सफर कर रहे हैं जैसे स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं लोग बर्ना जैसे कोई बहुत ज़्यादा आपको कोई काम दे रहा है अब आप नो नहीं बोल पा रहे एक दिन आएगा आप फट जाओगे अब अब आप नहीं हैंडल कर सकोगे इतना ज़्यादा काम राइट right? एग्जॉशन हो जाता है बर्नआउट हो जाता है आपकी रिलेशनशिप्स पर असर आ जाता है लेकिन नहीं आप नो नहीं बोल सकते तो ये हमारी कल्चरली दिस इज़ अ बिग फ्लॉ जिसमें मैं वेस्ट में थोड़ा सा अप्रिशिएट करती हूँ कोई भी चीज़ आदि नहीं होनी चाहिए अब इतना भी सेल्फिश नहीं हो जाना चाहिए कि सवाब अपने बारे में सोचो किसी और के बारे में नहीं हर चीज़ बैलेंस थोड़ी सी सेल्फलेसनेस लेकिन थोड़ा सा अपना भी सोचना ज़रूरी होता है इसलिए बाउंड्रीज का मकसद ये है कि एक जैसे एक रूल्स ऑफ द रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिलेशनशिप डिवेलप हो जाते हैं कि देखो इस इस तरह से मैं कंफर्टेबल है इस तरह से तुम हो तुम्हारी है हम इन दु, एक दूसरे की को respect करेंगे तो actually इस तरह से अगर boundaries आप सही तरह से से अगर आप सही दो लोगों के बीच में सेट हो तो एक्चुअली वो कनेक्शन बिल्ड करती है और दो लोगों को ज्यादा करीब रहती है बिकॉज अंडरस्टैंडिंग एक हो जाती है और इज्जत बनती है इस तरह से पर अनफॉर्चुनेटली इन एन ईस्टर्न कल्चर बाउंड्रीज आर जस्ट नॉट अंडरस्टंड नॉट एक्सेप्टेड एक रूल एक बदतमीज चीज़ हो जाती है कि आपने नो कैसे बोल दिया और दिस फॉर मी यू नो इज इवन एज एपस्ट बट इवन जस्ट एज अ पर्सन दिस इज एन इशू कि भाई इसमें गलत क्या है हाँ नो अगर आप बदतमीजी से बोल रहे हैं ओके okay, मे एक तरीका भी होता है नहीं बोलने का um, आप कंपेशनटली भी नो बोल सकते हैं अगर कोई बंदा आपसे मदद मांगे कि यू नो आई नीड हेल्प दिस असाइनमेंट कल ड्यू है कैन यू हेल्प मी टुनाइट और आप नहीं हेल्प कर सकते आपको पता है कि आपको सोना है आपका कल एग्जाम है या जो भी है आप बोलो नहीं मुझे हाँ तो बोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने नहीं बोला मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो जाएगा तो आप दूसरों के रिएक्शंस पे नहीं डिसाइड कर सकते आपका कंफर्ट लेवल क्या है आपका कंफर्ट लेवल आपका है यू के नॉट लेट गो ऑफ जस्ट बिकॉज यू आर फ्रेड हाउ दी अदर पर्सन विल रियक्ट वो उनका मसला है अगर दूसरा बंदा नहीं हैंडल कर सकता यू माइट वॉन्ट टू क्वेश्चन क्या ये बंदा है जो मुझे अपनी जिंदगी में रखना है जो ये बात नहीं समझ सकता कि मुझे आज जल्दी सोना है मेरा कल एग्जाम है लेकिन हम ज्यादा ना uh, अगेन बिकॉज हम एक उस कल्चर से आए हारमोनी और प्लेजेंटलेस और सब कुछ एक साथ साथ रखना है हम पे बड़ी इसमें फिक्र करते हैं कि दूसरा बंदा हमसे नाराज़ हो जाएगा नाराज नहीं करना हम अपने आप को सफर करेंगे लेकिन इस बंदे को नाराज नहीं कर सकते रिलेशनशिप बना के रखनी है आई डोंट नो ऑफ दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वॉन्ट इन योर लाइफ राइट तो आपको आपको अपने इर्द गिर्द उन लोगों से सराउंड करना है जो आपका ख्याल करते हैं जिनको समझ में आता है कि हाँ मैं रातों को फोन नहीं उठा सकता नींद मेरे लिए जरूरी है ऐसी कैसा वो बंदा है जो आप अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं रखना चाहते हैं जो ये रिस्पेक्ट नहीं कर सकता कि हाँ बंदे को नींद की जरूरत है वो सोना चाहता है सो थिंक अबाउट हु योर सराउंडिंग विथ एंड ऑल्सो थिंक अबाउट आप किस तरह से नो बोलते हैं uh, एक एन ओ आप टेक्स करके भेज दें तो शायद दूसरे बंदे को काफ़ी बुरा लगेगा हाँ फ्रेंडशिप पर असर पड़ेगा रूड लग सकता है डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता है बट इफ़ यू से समथिंग लाइक यू नो आई एम सॉ हैव अग एग्जाम टू मोारो नीड माई रेस्ट टू नाइट इनशालाइल ट्राई टू हेल्प यू नेक्स्ट टाइम आपने नो बोला लेकिन इस तरह से बोला कि एक रिलेशनशिप भी ना बा कम्पैशन का भी एलिमेंट है कै नो यू नीड माई हेल्प सॉरी आई के नॉट हेल्प टू नाइट इनशाला नेक्स्ट टाइम So, it the no compassion or is And as for this teacher who's not showing up and doing their job, the fact that as the head of the department you are given the advice that you should not say anything. I mean, I I would question that, but so I'll let you handle that. <coughs> <laughs> uh, uh, Jim jimshed. sir. स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ी सी बात ने की थी लेकिन उस उसपे ज्यादा आई गेस वो सिर्फ वो टॉपिक में सिर्फ डिस्कशन के तौर पे ही आया उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं आ गई तो मेरे कुछ क्वेश्चंस मैंने ग्रुप के अंदर भी जो थे वो पुट किए थे तो उन्हीं को वो तीन चार क्वेश्चन एक एक दो दो सेंटेंसेस के अंदर तो तो आप छोटा छोटा जवाब दे देंगे पहला तो ये था कि हाउ टू तो डील विद फियर ऑफ आपको अन बिलाई एक ऐसे ही कुछ चीज हुई भी नहीं है ऐसी बस फियर ऑफ अनोन होता है

और हम अपनी सोच में कुछ भी अपने आप को बता सकते हैं हम ये बोल सकते हैं कि हमारे साथ अभी आ, कुछ बहुत बुरा हो सकता है या हम ये बोल सकते हैं कि आगे का कुछ पता नहीं अभी सब ठीक है राइट दैट स्टेइंग इन द प्रेजेंट तो जब हम आगे का सोचते हैं हम एंक्शस हो जाते हैं जब हम पीछे का सोचते हैं हम डिप्रेस हो जाते हैं जब हम प्रेजेंट में रहते हैं हम कुछ ठीक रहते हैं तो प्रेजेंट में रहना थोड़ा सा जरूरी होता है अब मसला ये कि लोगों को हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सोचें हमें लीड नहीं करती हम अपनी सोचों को लीड कर सकते हैं हम क्या करते हैं हम जिंदगी ऑटो आट, पायलट पे गुजरते हैं जिसमें पहले भी कही थी ना हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं है हम जैसे हैं बस एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम ऐसे ही नहीं है हम कभी ये नहीं सोचते कि भाई हम ऐसे क्यों हैं या हम ऐसे क्यों सोचते हैं और ये चीजें बदल सकती हैं सो वी लेट आर थिंकिंग लीड अस वी डोंट लीड आ थिंकिंग एंड वी हैव द पावर टू लीड आ थिंकिंग हमारे पास फुल कंट्रोल अल्लाह तुल कंट्रोल दिया हुआ है कि हम अपनी सोच को खुद लीड कर सकें तो अगर हमारी सोच फियर के पास जा रही है अगर आपको अवेयरनेस है एक तो होता है आपका ब्रेन आपका जहन फिजिकल स्ट्रक्चर जो है इधर अंदर एक होता है आपकी माइंड इमेजिन एक चीज ऊपर गोल गोल घूम रही है वो आपकी है कॉन्शियस कॉन्शियस आप अपनी को इस्तेमाल करें अपने ज़हन को कंट्रोल में रखने के लिए जिसमें आपकी सोचे हैं तो अगर आप अवेयर हैं कि अभी मैं फ़ियर कर रहा हूं किसी बात को मैं डर रहा हूं किसी बात से तो जिस तरह से मैंने आई थिंक किसी और को बोला था आपको मोमेंट में अवेयर होना है कि मैं किस बात से डर रहा हूँ अपने आप से एक्सेप्ट नहीं करें कि हाँ मुझे डर लग रहा है आप अपने आप से सवाल करें भाई मैं किस बात से डर रहा हूँ मैं ये डर रहा हूँ कि यू नो अभी एक्स वाई जी चीज गलत हो जाएगी अच्छा आप क्या फ्यूचर देख सकते हैं आप क्या कोई फॉर्चून टेलर हैं आपके पास कोई स्पेशल पावर्स है जो आपको फ्यूचर बता सकती हैं अगर जवाब नहीं है दैट मीन्स आप अपना फ्यूचर प्रडिक्ट करके आगे की चीज को प्रोडिक्ट करके अपने ज़हन को कन्विंस करके कि ये चीज होगी आपने अपने प्रेजेंट का सुकून खत्म कर दिया तो पहले तो अपने आप को अपने चैलेंज करना है भाई जब मुझे आगे का कुछ नहीं पता जो मैं फ्यूचर नहीं बता सकता मैं कैसे अपने आप को कन्विंस करके आगे की परेशानी में अपना अभी का सुकून खत्म कर दू? मैं क्यों एक्सेप्ट करूं कि मेरा अभी का सुकून खत्म हो अभी मैं आराम से अपने घर पे बैठा हुआ हूँ मैं अपनी चाय एंजॉय कर रहा हूँ कल क्या होगा मैंने उसको अभी से प्रोडिक्ट करके अपना सारा सुकून आज का खत्म कर दिया तो अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी आपने उसी वक्त अपने आप को बोलना है जब वो डर वाली सोच आएगी कि कल अभी नहीं आया है मुझे फ्यूचर प्रोडिक्ट करना नहीं आता कल कुछ अच्छा भी हो सकता है कल कुछ बुरा भी हो सकता है अभी मैं ठीक हूँ अभी कुछ गलत नहीं हो रहा है अभी मैं अपनी चाय को एंजॉय करूंगा दिस इज द टूल यू वॉन्ट टू यूज टू स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट सेम विथ पिछले की चीज़ सेम चीज़ अप्लाई करती है राइट right? पिछले में अगर कुछ कोई चीज़ है जिसपे आप अटक गए हो क्योंकि वो लग से कुछ बुरी चीज़ हो और आप सोच रहे हो कि काश मैंने ये नहीं बोला होता या काश यू you नो know, मैंने ऐसे नहीं किया होता है। जो भी आप उस सोच में फंसे हुए हो अब देखें वो चीज़ तो हो गई है तो उस सोच का ये फायदा हो सकता है कि आप उसको सोचो और आईदा वो गलती ना करो या आप सोचो कि ठीक है वो गलत हो गया शायद मैं जाके सॉरी बोल दूँ या मैं कुछ और कर लूँ मैं उस बंदे को रीच आउट करके सिचुएशन को सॉल्व कर दूँ लेकिन अगर उस सोच में आप अटके हुए हो और सिर्फ गोल गोल इस सोच में घूमे जा रहे हो उस सोच का कोई फायदा नहीं है अदर देन द फैक्ट दैट इट्स इम्पैक्टिंग योर मेंटल हेल्थ मेकिंग यू फील डिप्रेस्ड एंड लो इफ देट थाट इज सर्विंग नो पर्पज इन योर लाइफ अदर देन इम्पैक्टिंग योर मेंटल हेल्थ कीपिंग यू सैड कीपिंग यू लो बट इफ देखो अब ये चीज हो गई है अब मैं सोच के साथ क्या करूं या तो मैं अभी कुछ करूं टू सिचुएशन या मैं अपने आपको ये सोच लू क्योंकि लर्निंग एक्सपीरियंस आईंदा ऐसे नहीं होगा कुछ मकसद निकालना चाहिए ना उस पिछले वाली सोच का सिर्फ उसमें अटक के गोल गोल घूमने का क्या फायदा या तो आप उसके बारे में कुछ करो या तो उसमें से कुछ सीखो एंड देन कम बैक टू द प्रेजेंट कि ठीक है वो हो गया गलत हो गया Abhi, do um, in this present moment, I have to decide what I want to do with this thought of the past. And then I need to do that, and then I need to move on from it, because gol Lake soch mein now with no purpose, it has, why are you doing that to yourself? I hope that answers your question. जी आयशा आयशा आप दोबारा पूछना चाह रही हैं कुछ आ uh, जी सर एक्चुअली मेरा भी वही क्वेश्चन था मिजारा से कि हाउ टू से नो वेल आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई दिस क्वेश्चन मिजारा एक्चुअली आई एम आल्सो अ टीचर तो यूजुअली uh, ऐसे होता है कि आई एम वेरी फ्रैंक विद माय स्टूडेंट्स एंड दे यूजुअली डिस्कस एवरी सिंगल थिंग विद मी मतलब दे आर वेरी क्लोज टू मी जस्ट दे स्टार्टेडTreating me as a friend अब वो होता है ऐसे कि देर नो देर बाउंड्रीज बट आफ्टर मे बी समय और मे बी आफ्टर सम टाइम ऐसे होता है आउट ऑफ नो वेयर मुझे एक मैसेज आता है मैडम मैं आपका स्टूडेंट था इस यूनिवर्सिटी में मैडम मुझे ये लेटर लिख कर दे दे तो इट्स लाइक दैट आई डोंट अंडरस्टैंड और फिर ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इधर इट्स विद मी और विद एवरी टीचर Uh, मुझे समझ नहीं आती आई से नो टू देम बट स्टिल मुझे ऐसा फील होता है कि ये बहुत नेगेटिव मैसेज पोर्ट्रे करता है स्टूडेंट को ऑल दो दिस इज द राइट वे आपने अभी एक्सप्लेन किया वी वी मतलब दैट्स परफेक्टली फाइन नीड टू से नो बट स्टिल आप बच्चे क्या कहेंगे कि uh, यार मैम तो अब बड़ी सीट पे चली गई है मैम अब उस यूनिवर्सिटी में चली गई है मैम तो अब कोई हेल्प ही नहीं करती ऑल्दो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरी पर्सन हैज गॉट सम पर्सनल बाउंड्रीज उनकी अपनी भी पर्सनल लाइफ होती है आपको रात को अभी एक दफा भैया यूनिवर्सिटी में से हो, मैंने स्टूडेंट्स को यही बोला कि इस टाइम के बाद मुझे मैसेज नहीं।, नहीं आना चाहिए आपका टीचर की अपनी पर्सनल लाइफ होती है तो इट वाज लाइक रात के ढाई बजे मुझे एक स्टूडेंट मैसेज करके कहता है कि मैडम आई एम सॉरी आपने कहा था कि इस टाइम पे मैसेज नहीं करना लेकिन मेरा ये मसला है तो ये मैंने आपको बाउंड्री की जो चीज पहले बताई थी बाउंड्री ये नहीं होती कि दूसरा बंदा क्या करे या क्या नहीं करे बाउंड्री होती है आप क्या करेंगे वो आपकी लाइन है आप स्टूडेंट को नहीं कह सकती कि मुझे ना हाँ बोल सकती हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि स्टूडेंट आपको रात के दो बजे मैसेज नहीं करेगा एक्सपेक्टेशन आपने ये बनाई है कि तुम करो ना करो मैं जवाब नहीं दूंगी रात के दो बजे क्योंकि मेरी ये लाइन है मैं इसके अंदर रहूंगी आप जैसे मारिया जवाब नहीं देती जारा जैसे तो, मारिया अच्छी बात है मारिया आई एम अप्रिशिएटिंग मैं, मैं आयशा आपको कहना चाहूंगी बिकॉज यू आर इन सच आर रिस्पॉन्सिबल द फ्यूचर्स ठीक है आप पढ़ा रही है बच्चों को तो यू नीड टू कम्युनिकेट टू यार ये बाउंड्रीज हैं आप भी बनाओ यू यू मेक योर बाउंड्रीज और जारा ने एक बात की थी कि डू नॉट कम्युनिकेट बट आई बिलीव ऑन कम्युनिकेटिंग माई बाउंड्रीज एंड कम्युनिकेटिंग my लिमिट सो दैट पीपल रिस्पेक्ट इट बिकॉज मेनी टाइम्स

सेइंग नो इज वेरीफाई करेंड्रीज आपको कम्युनिकेट करनी है 100%, मैं तो इतनी देर से ये बोल रही हूँ की आपको बताना है लोगों को आपकी बाउंड्री क्या है दूसरे बंदे को नहीं पसंद लेकिन बाउंड्री का एक तरीका होता है लाइक है सर बाउंड्री आप दूसरों पे अम्पोज नहीं कर सकते -E, आपकी yeah. वो है आपकी mm -hmm. वो बिजनेस है आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है राइट right? mm -hmm. तो ये चीज मैं बहुत क्लैरिफाई करना चाहूंगी mm -hmm. इसीलिए बाउंड्रीज में बाय द वे लोगों में रिलेशनशिप uh, खत्म होती है लोग क्या करते हैं यू कैन नॉट डू दिस विद मी यू कैन नॉट डू दैट विद मी यू यू कैन नॉट टॉक लाइक दैट टू पीपल पीपल आर अलाउड टू डू दे वॉन्ट यू डिसाइड इफ यू डोंट लाइक टू बी अराउंड स्मोक यू विल नॉट बी अराउंड स्मोक ठीक exactly. है ना अब ठीक है अब आपका दोस्त है तो ठीक है बोल दो कि भाई मेरा आगे ना स्मोक करो दूर करो चलो वो एक रिलेशनशिप है आप बोल सकती हो लेकिन एक्चुअली आप ये इम्पोज नहीं कर सकती आप उससे रिलेशनशिप hmm. इस बात पे नहीं तोड़ सकती बिकॉज वो उसकी बाउंड्री थोड़ी है. वो तो आपकी बाउंड्री अगर आपको स्मोक नहीं पसंद आप छह फुट दूर चली जाओ आप उसको क्यों रोक रही हो hmm. तो यही मैं आ, आ, मिस आयशा से बोलना चाहूंगी कि आप students could take again because up hierarchy position mein, aap, aap bol sakne, and don't message me at this time, they can. clear karna hai, and and a very good point you're in a teaching position so teach them the value that there's a reason I have asked you not to message at this time, and this is my boundary. And I will not answer. So you're not saying, student, you don't message me at 2 a.m. You just say, look, I will answer you in the morning when I wake up after I have my breakfast. Do not expect me to give you an answer at night because I need to have that. लेकिन मैं सुबह आप लोगों को जवाब दूंगी तो वो आपकी बाउंड्री अब आपको अगर गिल्ट महसूस हो रही है आपने सोचा ये गिल्ट कहाँ से आ रही है कल्चरल आइडिया से, से आ रही है रिलीजियस आइडिया से आ रही है सोसाइटल जगहों से आ रही है आपकी सोच कह रही है मैं बड़ा कुछ गलत कर रही हूँ लेकिन आपकी दूसरी सोच ये बोल रही है एक्चुअली तो मैं सही कर रही हूं ही होना चाहिए यू डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू थिंक अब आपको पता है कि आप कुछ गलत एक्चुअली नहीं कर रही तो आप उस सोच पे फोकस रखें गिल्ट uh, वाली सोच को निकाल दें बिकॉज वो कुछ मदद नहीं करी आपकी वो आपको नीचे ला रही है ये वाली सोच और इस सोच को आप लेके एक स्टेप आगे जाए कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे तो मैं उनको सिखाती हूँ कि इन बाउंड्री का मकसद क्या है और मैं इसलिए नहीं बाउंड्री करी क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं ख्याल नहीं करती स्टूडेंट्स का या कुछ नहीं एक्चुअली मैं इसलिए करी क्योंकि अगर मैं रात में सोती नहीं हूँ तो फिर मैं सुबह अच्छे मूड में नहीं होती मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा होता फिर मैं एक अच्छी टीचर नहीं बन सकती तो क्योंकि आप लोग मुझे इतने प्यारे हो मैं आप लोग का ख्याल रखती हूँ आई वॉन्ट टू बी अ गुड टीचर फॉर दैट आई विल स्लीप एट नाइट आंसर योर मैसेजेस इन द मॉर्निंग एक्सप्लेन योर बाउंड्री इन दैट वे आप so, सिखाएं ताकि वो भी सीखें और बस ये याद रखें बाउंड्रीज में आप दूसरे लोगों को नहीं बता सकते क्या करना है क्या नहीं करना दैट्स वेयर रिलेशनशिप सफर बिकॉज यू आर इम्पोजिंग एंड टेलिंग पीपल वेड शुड नॉट डू और लोगों को ये नहीं पसंद आपको भी नहीं पसंद आएगा कि अगर आपको कोई कुछ बोले कि ऐसे करो या ऐसे नहीं करो सो आई जस्ट वॉन्ट फाइ दैट

और इसी वजह से मेरे घर वाले भी काफी मेरी शादत से परेशान होते हैं बट आई डोंट आंसर माई फोन कॉल्स इन दैट टाइम तो आई रियली आई एंड आई आई कैन रिक्वेस्ट ओनली कि जो यहाँ पे भी काम करे आई गेस हमें ये चीज प्रैक्टिकली करने के साथ साथ हमें वर्बली बच्चों को और बच्चों के साथ ये कलीग्स हैं या जो भी हैं उनके साथ ये कम्युनिकेट करना भी चाहिए

तो वो बड़ी अजीब वरीब है।, है वो जो जैसे आपने बात की है ना कि मुझे ये लेटर लिख दें मुझे अः ये क्वेश्चन जो है मुझे पिछले दिनों कुछ क्वेश्चन आए थे वो पता चल रहा था कि ओपन बुक टेस्ट है उसके क्वेश्चन किसी टीचर ने दिए हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं उनको करके दे सर बिल्कुल ऐसे ही है अब ये तो ये तो कोई ऐसी हेल्प नहीं है टीचर का ये रोल थोड़ी है कि वो ये हेल्प करे कि स्टूडेंट्स को कहीं और से जो असाइनमेंट मिली है वो उनको करके दे

और मुझे एक साथ बुक सेंड करता है कि मैम मुझे बता दें कि इसमें क्या करना है लाइक नॉट फॉर फॉर हिज फैमिली ही इज ट्राइंग टू आई डोंट नो कि कैसे लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि यार अच्छा ये अंग्रेजी की मैडम बैठी हुई है इनसे पूछ लो एबीसी कैसे लिखनी है ये बता देंगी आपको दिस तो रियली really कि आप यार किसी को पूछो ठीक है आई वुड से नो बट स्टिलू गेट दिसटेशन होती है कि यार लोगों को इतनी भी सेंस नहीं है कि किससे किस तरह की बात करनी है किस टाइम पे करनी है शुड आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम दी अदरसन ऑन नॉर्ट तो मुझे बहुत बुरा फील होता है की पीपल शुड भी किस तरह किस तरीके में किस वे में किससे क्या बात करनी है असल में इसमें, इसमें आयशा बात यही है कि आपने जो जारा कह रही है ना अपने आप को आपने खुद प्रोटेक्ट करना है इस तरह के जो फरमाइशें हैं वो तो आती रहेंगी और उसका कोई हल नहीं है तो शफीक साहब बड़ी देर से एंड्रेस कर रहे हैं तो शफीक साहब को हम शामिल गुफ्तु करते हैं जी शफीक साहब जी थैंक यू जारा थैंक यू वेरी मच आई एग्री विद एवरी थिंग यू है कम्यूनिकेटेड uh, ये सारी चीजें uh, बिल्कुल ठीक uh, है और बिल्कुल ऐसे ही हैं uh, जो मैं uh, देखता हूँ वो ये है कि वॉट ऑफ दिस इज एप्लीकेबल इन द वेस्ट विदाउट मच फ उसमें uh, बड़ी आसानी से किया जा सकता है और उसकी वजह उसकी दो तीन वजुहत हैं नंबर एक के लोग कितने इंडिपेंडेंट हैं Uh, लोगों के पास जो एक्सेस टू रिसोर्सेज और नॉलेज है वो कितनी है और बहुत सारी चीजें लेकिन जो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी है दैट इज वेरी डिफरेंट नॉट जस्ट इन रिगार्ड्स टू हाउ पीपल लिव एंड हाउ निटेड द कम्युनिटी इज तो वो जो बाउंड्रीज हैं देखिए हम लोग तो एक तो ये नोशन है ना कि जी आपकी जो है बाउंड्रीज वो तो हैं ही और यू कैटी और यू कैट एंड और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो तो जॉन एलिया बड़े आराम से आके कहता है कि अब मुझे कोई टोकता भी नहीं यही होता है खानदान में क्या सो दॉट प्रोसेस इज वी एक्सपेक्ट इन अ सोसाइटी के जो बंदा हमारे आस पास है जो हमारे करीब है ना सिर्फ ये कि हम उसे बताते हैं बल्कि हम उसे बहुत सारी चीजों से रोकते हैं और एक जो बहुत बड़ा जो फैक्टर है हमारे यहाँ जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का है वी आर बिग राइट तो ये जो सारी चीजें यहाँ पे बड़ी आसानी से सीधी सीधी एप्लीकेबल हैं। They are not exactly applicable with that set of faith and with that set of um. Up. I agree with you on this hundred percent, and I believe that these things contradict. a contradiction ठीक है? लेकिन general setup it preaches and the general. agar आप survey I so you will feel that these are Western values and yeah. our

कोर्स का सिलेबस देता हूँ तो मैं उसमें लिख देता हूँ ये मेरे ऑफिस आवर्स हैं इनके अलावा अगर किसी ने आना है यू हैव हैव टू राइट अदरवाइज आई वॉन्ट मीट यू दूसरा कि जनाब रात आठ बजे के बाद अगर मुझे कोई ई मेल आएगी तो वो अगले दिन नौ बजे के बाद उसकी रिप्लाई आएगी और अगर वो वीकेंड पे है तो एक्सपेक्ट द रिस्पॉन्स मंडे एंड आई डॉन्ट रियली केयर अगर ठीक है तो या, ये प्रोफेशनल लेवल की जो बाउंड्रीज हैं कैन बी सेट अप वेरी नाइसली बहुत इज्जत करता हूं उनकी तकदीर सिद्दीकी साहब बड़ी पुरानी बात है एक दफा हमसे मिलने गए तो हमने कहा बताएं क्या सीखा आपने पिछले दो तीन साल में जिसमें हम नहीं मिले पाकिस्तानी सोसाइटी में उन्होंने कहा यार आई लर्न हाउ टू से हम लोग बड़े खुश हुए कि सर ये आपने जो आर्ट है वो नो वाला कैसे सीख लिया उसने कहा कुछ चीजें तो ऐसी हैं पे मैं बड़े आराम से सुकून से सुकून कह देता हूं, लेकिन जहां पे बहुत मुश्किल होती है ना वहां पे मैं दरमियान में एक स्टेप डाल देता हूँ और मैं कहता हूँ आई विल सी व्हाट कैन आई डू और फिर अगले स्टेप में मैं Is not directly applicable even for a person who thought or pays a like specific interest in the thought process of how to say uh, no. Or hamara jo henna style just jo set up a my family तो अगर आप एक काम करते हैं और आपने किसी को बता दिया कि यार मैं ये करने जा रहा हूँ काम कर लिया है नहीं कुछ बताया तो वो बाद में आपको मैंने तो तेरे से मशवरा किया था तो क्या फायदा हुआ अगर मशवरे के बाद आपने मुझे रोकना ही नहीं, नहीं? So so मैं क्या करता हूं मैं अपनी जो एक्सेल वो है प्रैक्टिस uh, वो बताता हूँ एंड आई थॉट इट हैज सॉल्व माय प्रॉब्लम्स टू अ सर्टेन एक्सटेंड आई टेल देम लुक आई कैन टेल यू व्हाट आई वुड डू इफ आई वर इन योर सिचुएशन बट आई वुड नॉट टेल यू व्हाट यू शुड डू राइट तो मैं कहता हूँ यार अगर आपकी जगह मैं हूँ और ये जो का मुझे पता है मैं शायद ये करता लेकिन you know right? यू नो ये देख लें कि आप इन चीजों की प्रोज एंड कॉन्स की एक लिस्ट बना लें मसलन अब खानदान का एक बड़ा आपसे कहता है हाँ फला जगह नहीं जाना नॉर्मल सिचुएशन है personal. आप कहते हैं जी मैंने तो जाना है वट इज कॉस्ट अब वो जो कॉस्ट हमारी सोसाइटी में है पाकिस्तान में दैट इज टू मच हायर देन कॉस्ट यू विल फेस और सफर इन इन द यूएस ठीक है लाइक like, तो ये वो जो है ना कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस दैट नीड्स टू बी डन स्लाइटली डिफरेंटली इन दैट परस्पेक्टिव सो जो भी ये टूल्स हैं यू कैट you can take it the core of it but you have to um, twist them tweak them add a step in there make sure that you are communicating your communication and that is the key in our uh, society and the core to learn is you don't wanna um, if you don't make friends you don't want to make enemies and unfortunately example the thin side कि यार वो दो बजे कॉल करता है तो वो जो उठानी पड़ती है अगर वो नहीं उठाएगा ना तो देर इज अ चांस कि उसका हफ्ते बाद जो ट्रांसफर है ना वो पता नहीं कहीं सिंध में हुआ होगा अच्छा शफीक साहब शफीक साहब वो ये श्रीक... नहीं कह रहे थे असल में वो ये कह रहे थे वो तो बड़ी प्राइड ले रहे थे कि मैं इतना ओबीडियंट सर्वेंट हूँ कि मैं आधी बेल होती है मैं उठा लेता हूँ और सेक्रेटरी साहब मुझसे बड़े खुश हैं एक करना मैं कहती कि हम की न, में जो कलर होता है ना एवरी कंपनी हमारे ना मतलब ऊपर टॉप हायरकी से लेके मैंने जिस कंपनी में पहली जो मेरी कंपनी थी जहाँ पे मैंने काम किया तो वो कंट्री मैनेजर से लेके ना आप ये सोचें कि सपोर्ट स्टाफ तक के मुंह से ना यू ही सेम डॉग्स और वो इतना स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक कल्चर हो गया हुआ था कि कोई भी ना उसके बारे में बात करना मतलब क्योंकि बॉस को भी यस सर यस सर सुनने की आदत हुई होती है और बॉस से नीचे भी हर कोई बॉस ही होता है अपने से नीचे वाले का हमारे यहाँ हर एक को बॉस बनने का बहुत तो शौक तो है तो कोई भी ना उससे मतलब अपोज नहीं करना चाहता और जो अपोज करता है और ये हमारे ओवरऑल कल्चर में भी यही है कि जो अपोज करता है उसको तो फिर कह देते हैं ये तो बदतमीज है ये तो इसको तो तमीज नहीं है इनको तो कुछ पता ही नहीं है और वो ना उसको और वो सारे ही उसको क्योंकि बुरा कहते हैं तो बंदा बंद सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद मैं ही बुरा हूं, तो देन यू हैव हैव टू या तो आपका बहुत स्ट्रॉग स्टैंड आप इस चीज को कर सकते हो अदरवाइज यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट कल्चर एज वेल वेलिया मारिया मारिया मैंने तो अपने डिपार्टमेंट में सारी जो सर्विस की है ना बदतमीज के तौर पे ही की है और मुझे इसमें खुशी है कि मैंने अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को मेंटेन रखा और मैंने बिल्कुल सफर भी नहीं किया मतलब मैं बल्कि हाँ तो अभी अभी देखें मैं एक रिसेंट आपको एग्जांपल देता हूं हमारी सारी जो ऑफिशियल जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने एक फजूल सा कल्चर अपना लिया व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लिए अच्छा आप व्हाट्सएप ग्रुप में फिर ऊपर से हमें तमीज नहीं है कि यार किस वक्त मैसेज करना है हर वक्त 24 घंटे वो एक्सपेक्ट और वो फिर एक्सपेक्ट ये करते हैं कि फौरन आप रिस्पॉन्ड भी करें अच्छा मैं आप व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मैं उसका मेंबर ही नहीं मैंने क्विट कर लिया एक मैसेज मैंने पोलाइट सा छोड़ा पूरी अपनी अंग्रेजी इकट्ठी करके कि भाई मैं अपनी पर्सनल जो है ना वेल बींग के लिए ये ग्रुप छोड़ रहा हूँ आई इंटेंड नो ऑफेंस टू एनी उसके बाद मैंने कहा ठीक है कुछ समझेगा समझे नहीं समझता तो जाए बाड़े तो मेरा ख्याल है कि वो समझ गए हैं उसके बाद उन्होंने कभी इंसिस्ट नहीं किया कि आप इसमें क्यों नहीं तो मैं उसमें नहीं सर well, अगर आप इस प्रोफेशनलिज्म को बदतमीजी कहते हैं तो आई रियली वांट कि हम सारे पाकिस्तानी बहुत जल्द बहुत बदतमीज हो जाए दिस इज द पार्ट हमारे टाइप का नहीं है ना वो बदतमीजी ही है हमारे हाँ प्रोफेशनलिज्म को बदतमीजी समझा जाता है एंड आई आई नो और आप सब मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं आपके भी ऑफिस में कोई ना कोई ऐसा होगा जो बात करता होगा कि नहीं मैंने ये नहीं, ये नहीं करना ये गलत है तो उसको सब बदतमीज ही कहते होंगे और क्योंकि सारे मारिया, मारिया इसमें वैसे उम्र लग जाती है जैसे मेरी लग गई है अब मैं भी कम्फर्टेबल हूँ तो एक्सेप्टेंस लेवल जब आ जाए तो फिर बोथ साइड्स कंफर्टेबल हो जाती है न तो लेकिन काफी मेहनत वाला काम है यस yes. टाइम लगता है उस पर और यही बात है कि अगर तो सब लोग उस या तो आपका जो सर्कल है ना वो एक ऐसा हो जब हर हाँ बंदा इस चीज को अंडरस्टैंड करता देन एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल लेकिन ऐसी जगहों पे जहां पे आपकी रूट्स और तरह से हैं आपका एक जो है वो एक एक जमाने में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात किया करते थे कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है तो एक उसमें ये था कि जिस सर्कल में आप हैं ना आप उस सर्कल से निकल के उस डायमेंशन से निकल के ऊपर वाली डायमेंशन में आ जाए ना आप सिर्फ उस हालात से निकल आए आपके लिए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो दिस इज वन वे टू डू इट राइट तो अगर mm -hmm. उसी उस, दूसरी में आप जैसे और लोग हैं तो यो प्रॉब्लम इज अनदर वे टू डू इट बट आर विलिंग टू मूव टू दैट न्यू डायमेंशन एंड दैट इज द कॉस्ट अनफॉर्चुनेटली व्हिच शुड नॉट बी द कॉस्ट Hmm. But aap sure. log, yes. aap log leadership positions. Mein, I don't know if Pakistan mein aisa hota hai, but in corporations mein or professions, may workshops ki hai, topics. Jojo, in jo leadership position, mein, whether that's a teacher student relationship or professor and other teacher relationship or corporate relationship, aap log, um, you can have a call it a workshop, call it whatever you want, but there could be discussions, you know. Every six months, you have a meeting where this something like this could be like, you know, how we like the culture of our office, the 10 people that we work together, or the teachers that we work together, your teachers, your uh, students, you know, teaching them about the concept of boundaries. In a, a positive light, like this is not a bad thing, uh, but you have to first fully understand आप लोग गलत चीज़ ना सिखा रहे हो like for example you cannot tell someone else what to do, you can only talk about yourself, you know. नो mm -hmm. इसी तरह से गलतियाँ होती हैं बाउंड्रीज सेटिंग में और बाउंड्रीज़ को बुरा रैप मिलता है वो बुरी समझी जाती हैं क्योंकि हम गलत तरीके से बाउंड्रीज सेट करते हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आया बाउंड्रीज होती क्या है uh, और दूसरी बात ये है uh, बाउंड्रीज़ भी बहुत तरीके की होती हैं रिजिट होती हैं लूज होती हैं फ्लैक्सीबल बाउंड्रीज होती है मैं रिकमेंड करती हूँ टू बी इन द रेल ऑफ फ्लैक्सीबल बाउंड्रीज ये फिर एक अलग ही डिस्कशन होगी फॉर अनादर डे यू नो टीचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज तो बाउंड्रीज का एक आर्ट होता है इट्स अ स्किल तो पहले तो आप लोग खुद इस स्किल को समझें हैप्पी टू टॉक अबाउट जस्ट बाउंड्रीज वन डे एंड स्किल uh, को समझे और इस स्किल को सिखाएं जो भी आप लोगों के इर्द गिर्द हैं इसी तरह से तो कल्चर्स और सोसाइटीज में फर्क आता है राइट ठीक है आप अपने ऑफिस के लोगों को शायद नहीं बदल सकते लेकिन आप अपने बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं राइट hmm. right? उनको सिखाएं कि पढ़ाई पे बाउंड्रीज डालें राइट right? रात के दो बजे तक पढ़ते नहीं रहो एक वक्त होता है पढ़ने का फिर इधर रोको इस तरह से आप बाउंड्रीज सिखाएं या आप यू सिखाएं कि ये अगर... ज्यादा पढ़ने का मसला नहीं है हमारे यहाँ कम पढ़ने का है गेमिंग का है हा, हा, हा। जो भी ना बट लेकिन बाउंड्रीज और डिसिप्लिन थी, आप अपने, या, अपने सर्कल में शुरू करें ना सो आप अब पूरे पाकिस्तान को तो हम अभी चेंज नहीं कर सकते पूरा पाकिस्तान होगा भी नहीं चेंज we are part of what the 2 or 3% of pakistan actually 98% of pakistan is what you see on the streets right mm -hmm. so that's 98% of pakistan ab woh to ni boundaries ka concept samjhega un unke to survival khana aur ghar is the concept pet mein khana jana hai sar have chhat honi chahiye wo unki battle wo hai हम जो वन टू थ्री परसेंट जो आप लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं जो मोर प्रवलिज पोजिशन में हैं जिनको मेंटल हेल्थ इज इवन अ फैक्टर बिकॉज बाकी लोग तो नाइन्टी एट परसेंट इज फोकस्ड ऑन फिजिकल सर्वाइवल राइट ना तो मेंटल दूर की बात है आप लोग मेंटल हेल्थ अपने टू परसेंट और जो आपके सर्कल में अगर तीन या चार लोग हैं आपके दोस्त हैं आपके बच्चे हैं या आपके कोवर्कर्स हैं यू डू व्हाट यू कैन डू आगे आगे कल्चरली दो तीन जनरेशन्स के बाद पाकिस्तान में चेंज आएगा वेस्ट में भी काफ़ी बदलाव आ रहा है अब तक राइट लाइक नाइनटीन फिफ्टीज के हजबैंड एंड ट्वेंटी के हजबैंड वाइव्स यहाँ पे भी काफ़ी कंजर्वेटिवनेस थी काफ़ी चीज़ों में जब बदल रही है तो जनरेश के बाद फर्क आने शुरू होगा इन शह अभी आपकी जनरेशन और में अनफॉर्चुनेटली फर्क नहीं आएगा लेकिन आप लोग कुछ कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान बाय लर्निंग अबाउट दिस प्रैक्टिसिंग इट यूर सेल्फ मॉडलिंग इट टू अदर्स एंड टीचिंग दम अबाउट दिस तो जो जो, जो आप लोग बाउंड्री सेट करें और होपफुली आप लोग अच्छी तरह से सेट से करें रिस्पेक्टफुली एंड कम्पेशनेटली फिर लोग आपसे सीखेंगे कि अच्छा मैं भी ऐसे कर सकता हूँ And you're absolutely right in saying, of course, Pakistan. many Eastern culture is very different. Society is very different. I don't even know if the Western concept of boundaries fully applies. It doesn't. You have to modify it. You have to tweak it. But concept Boundaries कोई बुरी चीज नहीं mental health protect But unfortunately, in a culture of hierarchy and harmony, parents को इज्जत देनी और ये करना wo वो करना और मामू को नहीं बोल सकते. culture

इस बिकॉज़ हम बड़े हैं डजेंट मैटर के बच्चे को इज्जत का हक नहीं है बच्चे को उतना ही इज्जत का हक है जितना बड़े को है आई जस्ट रियली एंड दिस आई आई कुड बी रॉन्ग शो एस्मिकली अल्लाह ताला हमारे प्रॉफिट यही प्रिंसिपल्स पे चलते थे कि वो बच्चे तक को इज्जत देते थे अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर हमारी सोसाइटी ने बहुत बिगाड़ा इस हायर्की वाली चीज़ को तो आप लोग अपने बच्चों के साथ ये बदल सकते हैं आपके स्टूडेंट्स भी आपके बच्चों की तरह आप ये बदलाव ला सकते हैं सो यू नो यू कैन मेक चेंजेस स्लोली बट कुछ कुछ फर्क आने लगेगा पाकिस्तान में भी जबरदस्त अच्छा <laughs> जारा ऐसा है कि मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो ये है कि जो आपने बात की ना ईस्टर्न वैल्यूज की ईस्टर्न कल्चर में आ, अगर आप थोड़ा इज्जत का एहसास बढ़ा दें दूसरे को कि मैं आपकी वाक़ता जेनली रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन ये मैं मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो चीज़ चल जाती है प्रॉब्लम वहाँ पे होता है जहाँ पे वो जो फॉर्मल अथॉरिटी है वो लगे कि ये चैलेंज हो रही hmm. है अगर आप उसको चैलेंज ना करें तो एक सटल से तरीके से वो काम करें तो वो हो जाता है मैंने बड़ी दफा ये प्रैक्टिस किया ऐसे टीचर्स बहुत से जो आइडियोलॉजिकली बड़े डिफरेंट उनके जो व्यूज थे मेरे डिफरेंट थे लेकिन ये है कि उनको ये कि जी आप एज अ टीचर जो कल्चरल आपका कॉन्सेप्ट है रिस्पेक्ट का वो मैं आपको दे रहा हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आई डिसएग्री विद यू तो उसमें वो बारगेनिंग हो जाती है अल्टीमेटली लेकिन ये काफी मतलब आर्ट है असल में ये कोई ऐसा नहीं है कि फार्मूला नहीं है कि आप सुन लें और आप कोई वर्कशॉप अटेंड कर लें और उसके बाद जाके आप अप्लाई करें तो वो हो जाएगा है, एक है, है स्किल सीखने हाँ, का। नो, सीखना पड़ेगा। नो बोलने के हजार तरीके होते हैं। हाँ, आप, तो, तो देखिए आपने बात तो एक ही बोली लेकिन एक में अथॉरिटी चैलेंज हो जाएगी ईगो पे लग जाएगा दूसरे पे शायद ओ, अच्छा वो तो अपना अलग ओपिनियन सिखा रहे हैं बता रहे मुझे तो नहीं तो हाँ, तरीका होता है बात करने का जो हमें नहीं आता क्योंकि हमें हाँ, किसी ने नहीं सिखाया हमारे माँ बाप को भी नहीं आता था उन्होंने नहीं भी नहीं हमें सिखाया राइट तो नो बोलने के हजार तरीके होते हैं आई डोंट एग्री विद यू के भी बोलने के बहुत तरीके होते हैं तो आपको ये आर्ट है जो आपको सीखना है प्रैक्टिस हाँ, के थ्रू पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है राइट के कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा ना हमारे लोगों को मसला ये है डेफिनेटली Uh, अच्छा एक दो लोग हैं जिन्होंने कोई बात नहीं की एक तो किशोर हैं और एक शजिया इफ्फत आप शजिया? हो हमारे साथ ये से हैं जी नहीं है किशोर आपको oh yes. जी किशोर आपका कोई कमेंट कोई क्वेश्चन वेरी क्विकली अब हम थक चुके हैं सारे सुन सुन के बोल oh.

एमफिल कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम दोबारा से अपनी बाउंड्री सेट करते हैं जो हम बैचलर से निकल के फिर एमफिल में और यहाँ पे क्वाइट थोड़ा प्रैक्टिकल और पढ़ाई और फाइट की एक भी एक बाउंड्री है हां बिल्कुल ठीक और सर उसकी जो स्टूडेंट लाइफ है ना उसकी तो फिर बाउंड्री उससे ज्यादा बड़ी है ठीक किशोर कोई क्वेश्चन आपका आया है तो करिए कोई करिए बात आ तो सर आई विल आई विल क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो द टाइमिंग के ये कब आवर होगा सो आई वुड कब क्या होगा ये कल कल खत्म कब होगा यहाँ खत्म करने को तो आपके, आपकी आपकी बात पे खत्म करना चाह रहे हैं हम कि आप कोई सवाल पूछ लें ये कमेंट कर दें इसी पे हम इख्तिताम करेंगे ओहो तो सर मेरे माइंड में तो नहीं है अभी बस मैं, मैंने सुना है, है तो चले आप, आपकी जो है वो प्रेजेंस जो है वो रजिस्टर हो गई तो शजी आप हो तो आप बात कीजिए वरना फिर हम इसको क्लोज करते हैं नहीं है जी शजी नहीं नहीं सॉरी तो ठीक है जारा आपका बहुत शुक्रिया एक सेशन पहले भी आपके साथ हुआ था बहुत मजे का था मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज भी मजा आया तो शफीक साहब भी इस पे कमेंट करेंगे बाद में कि इनको कैसा लगा शफीक साहब खुद जी जी आसमा कुछ पूछना चाह रही वेरी क्विकली आसमा थक चुके हैं वाकई आसमा नहीं मैं तो क्लैप कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा, अच्छा लगा सारा थी, सेशन जी थैंक यू ठीक थैंक यू वेरी मच तो मारिया आपसे भी आज मुलाकात होगी मैं आपको जो उसमें कॉम्प्लीमेंट था मेरी तरफ से कि आप कुछ बाउंड्रीज जो है उसको उनको प्रैक्टिस कर रही है ना ऑलरेडी और वो भी नहीं होता उसमें कि आप uh, नहीं है ना? आप नहीं हैं हैं ना भी करती करती लेकिन अपनी अपनी टर्म्स पे अपनी टाइमिंग्स पे टाइमिंग्स तो ये बड़ी अच्छी बात है तो शफीक साहब कोई कमेंट है कोई तो कीजिए फिर हम uh, uh, Zara so talked about boundaries and different types and how they can be incorporated in our lives. So I, whenever she has time, whenever it is uh, convenient, I would actually be um, interested in learning at least the theoretical uh, part.